ओम नमो भगवते परमहंस रसासादित चरण कमलो चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमो नमः। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताया। श्रील सुतदेव गोस्वामी अवरकुल सुतकुल में आविर्भाव होने के कारण जड़ जगत का जितना सारे अभिमान रखने वाले आदमी हैं, जितना सारे अहंकारी आदमी हैं, ये सुतदेव गोस्वामी के बारे में थोड़ा नीचा भावना पोषण कर सकता है। दे कैन थिंक अदरवाइज। सुतदेव गोस्वामी बाह्य दृष्टि में अवर कुल में आविर्भाव हुआ है, सुतकुल, इसलिए प्रायः जितना सारे अहंकारी आदमी हैं, अभिमानी, ये लोग सुतदेव गोस्वामी के बारे में उल्टा भावना कर सकता है, वो नीचा है। जैसे ब्रजधाम में वृंदावन राधा कुंड के किनारे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भजन करते रहे, कुछ दिन हरि कथा बोलते रहे, अचानक उनके कान में आया जो वहाँ का कोई अभिमानी व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ऐसा कोई बात बोला जो कोई भी भक्त सुन नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कुछ ऐसा बात बोले जो बात कोई भक्त समाज सुन नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने पानी, भोजन पानी सब बंद करके 3-4 दिनों से चुपचाप रोते रहे, भजन करते रहे। बाद में जब पता चला तो वो आदमी को पकड़ कर ले आए सब आदमी, धक्का मार के, जा क्षमा मांग, क्यों ऐसा बोला, क्या बोला था? बोले रघुनाथ दास गोस्वामी नीचा कुल में आविर्भाव हुआ था, इसलिए मेरा पूर्वजों जो हैं, ये पूर्वजों को ये दंडवत करते थे, कृपा प्रार्थना करते थे, ऐसा करके कोई उल्टा बात बोला। सुतदेव गोस्वामी के बारे में भी ऐसा हो सकता। सुतदेव गोस्वामी स्वयं भगवत जी महापुराण में देखोगे वयम विलोम जाता इत्यादि शब्द बोला है, हम लोग विलोम जाता। सुतो ये भक्तों का दैन्य है, भक्त लोग इतना दैन्य पोषण करते हैं जहाँ तक तुम्हारा दिमाग विचार पहुँच नहीं पाएगा। भक्त लोग इतना दैन्य का स्वरूप, इतना दैन्य प्रकाश करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी बताया था श्रील कृष्णदास कविराज उस समय कैसे दैन्य करते हैं, पूरी शेर की होते मुई से लोघिष्ट इत्यादि, जगाई माधाई होते मुई से पाविष्ट, पूरी शेर कीट होते मुई से लोघिष्ट, मोर नाम जई लय तार पाप होय, मोर नाम जई सुने तार पुण्य क्षय, एमन निघृण्य मोरे किबा किबा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है? साक्षात राधा रानी का सहेली, प्रिय नर्म सखी। लेकिन कृष्णदास गोस्वामी का जो स्वरूप है वो भी नित्य स्वरूप है, दोनों स्वरूप है, एक तो ब्रजमंडल का स्वरूप, एक गौरमंडल का, गौरंग महाप्रभु का पार्षद है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना दैन्य करके दैन्य प्रकाश किए कि हम टट्टी का जो कीड़े हैं इससे भी हम नीचा है।
भक्त लोगों का दैन्य ऐसा ही होता है, रूप सनातन भी ऐसा, बहुत सारे दैन्य किए, प्रसंग आए तो हम बता देंगे। शिला पोपा जी कहते हैं जो सुतोदक गोस्वामी पाद का दैन्य इतना तगड़ा है, जगत का आदमी ये सब समझेगा नहीं। और इसीलिए शुद्धा सरस्वती वैकुंठ सरस्वती सनकादि ऋषियों का जवान से एक सच्चा वचन निकाल दिया। अनघ जो नीचा कुल में होगा, जैसे कोई भी नीचा कुल में आविर्भाव हो वो तो पूर्व जन्म का पाप का फल है, लेकिन वैष्णवों का ऐसा नहीं। वैष्णव तो कोई भी कुल में आविर्भाव होए इसका कोई ऐसा विचार नहीं बैठता। वैष्णव किसी भी कुल में आए तो शुद्ध रहता है। श्रील हरिदास ठाकुर के बारे में सोचो, नाम भजन का ऊपर कोई भजन होता है? अभी तक हुआ नाम भजन सबके ऊपर, सबसे ऊपर है नाम भजन। वो ही नाम भजन का आचार्य बना दिया हरिदास ठाकुर को। नाम भजन सबसे ऊपर का भजन, तमाम भजन का विचार करो तो नाम भजन सबसे ऊंचा। और ये नाम भजन का आचार्य बना दिया किसको? श्रील हरिदास ठाकुर को। लेकिन बाहरी दृष्टि में हरिदास ठाकुर का आविर्भाव कहाँ हुआ सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत तो जो है भागवत का ही सिद्धांत तो है। वैष्णव कहाँ भी आविर्भाव होए, भले कृष्ण तत्ववेत्ता यही सही गुरु है। जे जो व्यक्ति कृष्ण तत्ववेत्ता है वही गुरु। सुतदेव गोस्वामी का ब्राह्मणत्व का कोई अभाव नहीं देखा गया। देखा गया ब्राह्मण किसको बोलता है? समो दमो शौचो सरलता आर्जवो साध्यायाद जो बारहा बारहा गुण के स्वाथ जोड़े हुए कोई आदमी है उसको ब्राह्मण बोले। नॉट ओनली दैट, बारह गुण से जुड़े हुए होए तो भी नहीं होगा, तो क्या होगा? बारह गुण का बाद अगर कृष्ण भक्ति है अर्थात विष्णु चरण में भक्ति है तो होगा। भागवत में इसका प्रमाण भी है। समाज का आदमी ये सब विचार नहीं करते, पागल का मापिक दौड़ते हैं, किसी का अंदर में कोई विचार नहीं है। दे आर ऑल रेस्टलेस, अशांत बंदर जैसा है। वृंदावन में जाओ यहाँ वहाँ बंदर को देखे, कभी इधर है एक सेकंड बाद उधर उधर। बंदरों को मापिक साथ सारे समाज व्यस्त है, इतना चंचल है जो मेंटल स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं करते। पहला चीज तो ये है कि अपने को शांत करो, शांत अवस्था में लाओ, कम से कम शांत अवस्था में लाओ, विचार करो। भागवत में बताया देखो, बारह गुण के साथ जुड़े हुए आदमी ब्राह्मण नहीं हो सकता अगर विष्णु तत्व में भक्ति नहीं रखने वाला तो होगा नहीं। इसका प्रमाण सप्तम सातवां स्कंद में भी है। विप्रादिषण गुण जुता अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम। क्या बोला? विप्राद दिषण गुण युतात अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम। बोले विप्र दिषण गुण, दिषण गुण माने षड़ मतलब छय, छय मल्टीप्लाइड बाय टू, सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू क्या होता है? बारह। वही तो छंद मिलाने के लिए ऐसा लिखा। विप्राद दिषण गुण जुता अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम। दिषण गुण माने बारह गुण, बारह गुण के साथ जोड़ा हुआ। लेकिन अगर विष्णु चरण में भक्ति नहीं है उससे अच्छा है नीचा कुल वाला जो है सपचम वरिष्ठम। सपच मतलब कुत्ता को काट के भोजन करता है रूसी करके, उसका नाम है सपच। सौ मतलब कुत्ता, और उसको रोसी करता है। फॉरेन में तो सारे खाता है, कुत्ता बिल्ली सब सब बुरा, यहाँ का लोग भी खाता है।
तो ये जो कुत्ता खाने वाला आदमी, वो भी अगर उसका अगर ऐसा हालत हुआ कि कृपा ऐसा प्राप्त हो गया, भगवान का नाम जवान पे आ गया, तो वो ब्राह्मण से अच्छा है। समझा नहीं मेरा? वो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से अच्छा है, सपच होगा अगर ये भरी भजन करे तो। टोटल जो चीज है वो है सारे ठाकुर जी का भजन का ऊपर डिपेंड करता। जो जितना ठाकुर जी का भावना, ठाकुर जी का चिंतन, मतलब ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का कथा कीर्तन इसमें जुड़े हुए हैं, वही शुद्ध है। बाकी तमाम दुनिया कोई शुद्ध नहीं हो नहीं सकता। एक मिसाल दे दे, उदाहरण दे दे, समझ में आएगा। गौतमी ऋषि का आश्रम में उस जमाने में गौतम ऋषि का आश्रम में एक तो क्या हुआ था, सारे ऋषि मुनि आके उधर स्थान लिया था, क्योंकि एक अभिशाप लगा था कि सारे और दुर्भिक्ष होगा। एक घटना है महाभारत में, इतना डिटेल्स में हम जा ही जाएंगे, शास्त्रोज्ञान लुप्त हो जाएगा, चारों फेमिनाइन अर्थात दुर्भिक्ष फैलेगा, लेकिन गौतम ऋषि का आश्रम में कुछ नहीं होगा। तो गौतम ऋषि का आश्रम में जितना सारे व्यवस्था है, जमीन ज्यादा, उसमें बहुत सारे ऋषि आके रहना शुरू कर दिया। और क्या है कि हमारा जो सबरी है, सबरी भिलनी बाई, सबरी बाई पहले से ही उदात थी, और सबरी का पूर्ण विश्वास ये गुरुजी बोले कि राम जी मिल जाए, रामचरण का दर्शन हो जाए। लेकिन बिल्ली भाई मतलब क्या है, बिल का कोई कुछ भी खाए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी खाए, सांप मार के बिल्ली, लेकिन सबरी का शुद्धता, किसी की शुद्धता कितना किसी को पता नहीं था। एक सरोवर था, सरोवर में ऋषि मुनियों ने नहाते थे। एक दफे देखे सबरी जाके पानी ले रही है वहां से, और सारे जितना सारे आदमी देखा, ऋषि मुनि से गाली दिया, फट इधर से पानी, इतना गाली दिया कि सबरी डर के मारे आ गई ऊपर, वो कभी नहीं जाएंगे सरोवर में। इतने में सरोवर का पानी जो है दुर्गंध दूषित बन चुके, गाली देने का साथ साथ उसको पता नहीं, वो सोचा, ऋषि मुनियों ने सोचा ये सबरी जैसा नीचा है, वो पस गया तो अपवित्र हो गया, देखो सरोवर खराब हो गया। तो किसी को पता नहीं कैसे सरोवर खराब हो गया, ऋषि मुनि सोचता है कि ये स्पर्श किया तो खराब हो गया। बहुत दिन चले गए, राम जी गुरु वाक्य को सत्य बनाने के लिए पहुंचे, और बहुत दिन हो गया, बचपन से भजन करते रही, बचपन से आज बूढ़ी हो गई। ये घटना जो है बचपन का बात नहीं, दो बात का बात है। सबरी बचपन से भजन करते करते आज बूढ़ी हो गई, और फिर भी रोज एक एक का के फल लेके राम जी का नाम पे अर्पण करके रखती है। राम जी जब आए, राम जी को भोजन कराएं, और राम जी सचमुच आ गए, जंगल परिक्रमा करते, जंगल में गए ना 14 साल के लिए, और राम जी आ गए। राम जी आने का बाद तो आश्रम में हल्ला मच गया एकदम, सबरी तो एकदम आंखों में देखता भी नहीं अच्छा, ऐसा बूढ़ी हो गई, और सबरी को कृपा करने के लिए राम जी पधारे। इसके बाद सबरी पूजन की, और राम जी बोले सरोवर से पानी ले आओ, सब ऋषि मुनि खड़ा है, और सबरी डरने लगे, अब तो पहले पानी स्पर्श किया तो गाली दिया, अब क्या, राम जी बोला जाओ पानी ले आओ वहाँ से। सबरी क्या करे, ठाकुर जी स्वयं आदेश कर रहे हैं कि पानी लाओ। सबरी डरते डरते फिर भी गए, वो पानी, जब पानी में हाथ लगाए तो पानी का सरोवर पूरा पहले का मापे स्वच्छ हो गया। पूरो ऋषि मुनि जो है वो लोग तो हैरान हो गए, तो हमारा अपराध हुआ,
सबरी का चरण में हमारा अपराध हुआ तभी ऐसा हुआ। तो ठाकुर जी गुहक चंडाल का नाम सुने होंगे रामायण में, तो सारे ऐसा है हरिदास ठाकुर चैतन्य लीला में। तो वैष्णव का ऐसा है कि कोई भी कुल में आविर्भाव हो तो कृष्ण तत्ववेत्ता जी सही गुरु है, ये समझ के चलो। जो श्लोक दे के हम शुरुआत किया था उसका थोड़ा माने बोल दे, उसका बात बहुत जल्दी आगे जाना पड़े। ओम नमो भगवते परमहंस रसास्वादितो चिन्मकरंदायो भक्तजन मानस निवासायो श्री रामचंद्रायो नमो नमः। इसी को देके शुरू किया था। कौन लिखा ये श्लोक, कौन लिखा? साक्षात श्रीधर स्वामी जी, श्रीधर स्वामी जी लिखे। कब लिखे? बस श्रीमद भागवत जी महापुराण का टीका लिखने का पहले। ओम नमो भगवते परमहंस रसास्वादितो चरण कमल चिन्मकरंदायो भक्त जन मानस निवासायो श्री रामचंद्राय नमो नमः। श्रीमद भागवत जी महापुराण का जो टीका है, टिप्पणी है, लिखने के पहले सीधा साईं पद ऐसा लिख। अब बाकी जो समाज है, समाज का आदमी है, जिन लोगों का ऊपर पक्का कीपा नहीं है, वो लोग सोच में पड़ गए, अरे साक्षात भागवत जी का टीका लिखने बैठे और राम जी का वंदना किया कि क्या कारण है भाई। और कोई कोई ऐसा आदमी है कि अपना लिखने में और राम जी लिखा को मिटा दिया, देख कृष्ण बैठा दिया। हमारा भी चिंता हो गया कैसे हो सकता पुराना टीका में। अब बाद में हम छानबीन किया, बहुत इधर उधर छानबीन किया, पुराना कौन सी लिखा है, और ढूंढते ढूंढते हमको पीला इसमें राम जी है। बाद में पता चला ये राम जी लिखा को किसी ने दूसरा एडिशन में मिटा दिया, मिटा के कृष्ण बैठा दिया। क्यों? वो लोग का हृदय में ऐसा संशय पैदा हुआ कि राम क्यों रहेगा, यहाँ तो भागवत जी का प्रसंग है, कृष्ण जी का है, तो राम जी रहना नहीं चाहिए, वो गलत कुछ गलती से हो गया होगा, तो इसका मिटा के राम जी बैठा दिया। बाद में हम छानबीन करके पुराना से पुराना देखा तो देखा ना ये उसमें तो राम जी है। उसके बाद हमारा बंशीधर जी का टीका का बारे में पता चला तो हमारा समझ गया, हम तो समझ गए। पहले थोड़ा डाउट आया था किस लिए सीधा साईपाद जी राम जी का वंदन किए, ये तो भागवत जी महापुराण है, इसका टीका में भागवत का ठाकुर जी राम जी कृष्ण जी का भगवान नंदनंदन का वंदन कर देते। बोले सीधर साईपाद का टीका का ऊपर टीका किया कौन? बंशीधर जी, बंशीधरी टीका। बंशीधर जी बड़ा प्रेम से उसका व्याख्या की, बोले महाराज इसका कारण ये है, जब भी हम जानते हैं कि राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं, एक ही तो है, खिप रस का विषय में लीला के विषय में थोड़ा फर्क है, बाकी तो जो राम वही कृष्ण। लेकिन राम जी का नाम क्यों लिया? बोला इसलिए लिया श्रीमद भागवत जी महापुराण अगाध समुद्र है, जो हमने तमादिदेवम पुरुषो पुराणम तमाल वर्णम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भगवतो स्वरूपम। अपार संसार समुद्र से तुम, ये श्लोक का याद हो गया किसको? सीधा साईं पाद को। समुद्र सेतु, समुद्र में सेतु लगाओ, समुद्र तो पार नहीं कर सकोगे, समुद्र में सेतु लगाओगे, सेतु अगर करे, जैसे राम जी सेतु बंधन किया रावण को उद्धार करने के लिए, पत्थर देके हनुमान जी और सारे राम जी का पत्थर को राम 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 राम, राम लिख के पत्थर को पानी में फेंका और पत्थर तैरते रहे और पूरा ब्रिज बन गया, ब्रिज बन गया ना, वो ब्रिज अभी भी है, अभी भी है। कैसा है? बोले इंटरनेट से हम देखा, एकदम समुंदर के नीचे
पत्थर का जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग दिखा है, अभी भी पूरा लंका से लेकर सेतु बंधन इधर जो है पूरा रामेश्वरम तक नीचे पत्थर है। क्यों? पर राम जी जब लंका जय करने के बाद वापस जा रहा था, सुमंदर ने पत्नी का बाबू काहे को हमको बंधन करके जा रहे, हमको भी खोल दो थोड़ा, हमारा तो बंधन हो गया, अब बंधन करने का भी बात आएगा। समुंदर को बोला, ए समुंदर, अब समुंदर मान नहीं रहा, तो राम जी एकदम तीर लेके बोले आग खत्म कर देंगे, तब पैर में आके पड़ा। और ठीक है प्रभु जी हमारे ऊपर बंधन करके जाओ, लेकिन हमको जाने का टाइम बोला हमको छुड़ा दो, हमको क्यों बंधन करके जा रहे, तो छुड़ा दिया। वो जो बंधन छुड़ा दिया तो पत्थर धीरे धीरे नीचे चला गया, वो नीचे वाला पत्थर अभी भी है। तो जो भी है, सीधा स्वामी जी चिंतन किए, ये भागवत जी महापुराण समुंदर है, ये समुंदर को पार करने के लिए सेतु बंधन किया था श्री राम जी ने। तो राम जी का चरण में क्यों ना हम प्रार्थना करें, हम भी थोड़ा सेतु बनाए कि भागवत जी तो आघात आनंद तो समुद्र है, तो उसको थोड़ा पार करके मीनिंग इसका जो अर्थ है इसको बैठाने के लिए राम जी का बंधन करें कि हम भी सेतु पार कर जाए, क्योंकि ये तो भागवत जी का को पता ही नहीं चलेगा, ऐसा भाव लेकर वंदना किए। इसलिए श्री रामचंद्राय नमः इत्यादि, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जितना सारे तर्क उठाने वाला आदमी हो तो तर्क करते रहेगा, यंग रव यंग मन पेतम पेत कृत्यम दहिपायन विरह कातरवाजुहाव पुत्रेत तन्मय तया तरभो भिनेदु त्वं सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मि या सानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं माध्यात्मदीपमतिशतां त्वम् अन्ध्यं संसारिणं करुणायहो पुराणगुह्यं त्वां व्यासोऽनुपजामिं गुरुं मुनीनां। अब ये जो दो श्लोक है इसमें सुतोदेव गोस्वामी अपना गुरुजी का महिमा प्रकट किए। गुरुजी कौन है सुतोदेव का? सुतोजी का गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जी का ऊपर बड़ा भारी कृपा हुआ सुखदेव गोस्वामी। क्यों? परीक्षित महाराज का पास जो प्रवचन चल रहा था तो सुतोदेव गोस्वामी गुरुजी के सामने बैठा हुआ, एकदम कई प्रमाण है सुतोदेव का ऊपर, सुतोदेव का ऊपर सुखदेव गोस्वामी का बड़ा भारी कृपा भाई। गुरु का कृपा जिसका ऊपर हो जाए तो उसका लिए कोई भी असंभव नहीं, गुरु कृपा के द्वारा सब भी संभव है, असंभव बोल के कोई। तुलसीदास जी ने बताएं, बिना गुरु भवन निधि तरई न कोई, और दूसरे जगह लिखा तुलसीदास जी, बिनु सतसंग तरई न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आप सोचोगे साधु संग आ गया तो हम मिल लेंगे, ऐसा नहीं, बड़ा मुश्किल से मिलता है। बहुवीर सुकृति पूर्व संचित हो, पूर्व पूर्व जन्म का सुकृति पूंजीभूत हो जाए जभी साधु संग होता है। साधु संग ऐसा नहीं होता, हो गया साधु संग पैसा दे के बुलाया, ऐसा नहीं, बड़ा मुश्किल से होता। वो भी राम जी का कृपा हो तो, राम जी का अगर कृपा ना हो तो साधु संगो कभी नहीं मिलेगा। अगर साधु संगो जोर जबरदस्ती मिलान के जाओगे उल्टा हो जाएगा, साधु संगो होगा ही नहीं। साधु संग मतलब क्या? साधु संग मतलब क्या है? भागादौड़ी करने से तो होगा नहीं। साधु संग मतलब साधु का स्वरूप का अनुभव हो जाए और उसका जो कृपा है हम लेने के लिए तैयार हो जाए, दोनों, ये साधु संग। बहुत साधु संग किया पैसा दे के बुलाया और फिर का फायदा हुआ? हुआ नहीं फायदा। बिनु सतसंगो तरई न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये बात सही है। सुतदेव गोस्वामी अपना गुरु जी का वंदना की, बड़ा भारी सुंदर, भले
योगी जन्म का साथ साथ ही मैया का कोख से जन्म ली और तुरंत जंगल का उच्च चले गए। बोले मैं ऐसा तो सुना, अजब की बात कह रहे हो। हम हाँ ऐसा ही है, 16 साल तक मैया का कोख में बैठे रहे और जब 16 साल का बाद ठाकुर जी बोले बाहर आओ, नहीं आएंगे। क्यों? बोले बाहर आए तो माया पकड़ेगा, माया पकड़ेगा ना, सबको पकड़ाना, माया पकड़ेगा ही, बिना माया पकड़े कोई नहीं है, माया पकड़ेगा। इसलिए सुखदेव गोसाई बोला हम नहीं बाहर नहीं आएंगे। अब यहाँ तो ठीक हूँ, ठाकुर जी का चिंतन है, बड़ा ध्यान लगा के बैठा हुआ। बोलना 16 साल हो गया, बाहर आ जाए, ये भी कोई बात हुआ? ठाकुर जी बोला देखो आशीर्वाद रहा मेरा, तुमको माया नहीं स्पर्श करे, और हम अगर माया नहीं स्पर्श करे बोले तो ये भी हमारा सिद्धांतों का तोड़फोड़ हो जाएगा, क्योंकि माया तो इस जगत में जन्म का सत्ता थोड़ा बहुत पकड़ेगा। और ठीक है, एक राई का दाना जैसे गौ माता का सिंह में धर दो तो कितना समय तक रहेगा, एक राई का दाना, सरसों का दाना लेके गौ माता का सिंह में धर तुरंत गिर जाएगा ना। बोले इतना समय तक माया पकड़ेगा? बोलो कुछ भी नहीं, ठीक है तब तो ठीक है, मैंने मतलब पकड़ेगा ही नहीं। तो बाहर आया कौन? सुखदेव गोस्वामी। बाहर आने के बाद कौन माता, कौन मेरा माता, कौन पिताजी है देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं, ही वॉज लेस इंटरेस्टेड अबाउट इट। कौन मेरा पिता है, कौन मेरा माता है देखने का कोई जरूरत है, तुरंत आविर्भाव तक साथ साथ मैया के कोख से निकले और एक ठहर जा, थोड़ा संस्कार तो होने दे, नहीं संस्कार का दर फिर चले गए जंगल में। समझा मेरा? संस्कार हो रहा है ना बच्चा जन्म के बाद, उसका सफाई होता है, बहुत कुछ होता है। बोलो सफाई का कोई जरूरत है ही नहीं, सीधा चला गया कहाँ, जंगल में। इसीलिए बोला यंग ब्रवयन मनोपेत मनोपेत मपेत कृतम, अपेत कृतम मन कृत, वो संस्कार कर्म उसका हुआ है, अपेत कृतम द्वैपायन विरह कातरा जो अब। द्वैपायन ऋषि जी ओ एकदम चिल्ला चिल्ला के, हे पुत्रो पीछे आ जा, सामने आ जा, चिल्लाते रहे और वो सुने ही नहीं। पुत्रे तितया पुत्रे ति तन्मय तया तरव अभिने दून स्वांग सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी। और पुत्रो पुत्रो बोल के चिल्लाते चिल्ले पीछे गए। और दुनिया का आदमी सोचेगा तो हमारा मापी क्यों तो हुआ, बैस जी तो नारायण अंश नारायण है, शक्ता भी सब होता तो नारायण। बोले बैसदेव जी पुत्र का पीछे पीछे गया, हम अगर पोता पोती को प्यार करें महाराज बड़ा कड़ा बोलता है। बोले महाराज ये बात नहीं, सुखदेव गोस्वामी कौन है, किस लिए बैसदेव गोस्वामी पीछे दौड़े, इसका बात तो सुनो, उसके बाद फर्क चलेगा कि हम क्या, हम कौन है और बैसदेव जी कौन है। बैसदेव जी कोई मामूली है, उसका कोई मोह हो गया, शोक हो गया, वो इसलिए पीछे जा रहा था। वैष्णव जी को 100% पता था कि ये लड़का जो है ये इसको अगर पकड़े तो भागवत रस जो है वो रस को इस आधार पर रखा जाए, ये पात्र है भागवत जो रस है ये एकमात्र पात्र है, जन्म से ही परमंश है, जन्म से ही परमंश कुल चूड़मणि है, किसी भी हालत उसको रोका जाए तो यही एक पात्र है जिसका अंदर में भागवत नामक जो रस है सारे रस का इंटैक्ट, एक बूंद भी माने खराब नहीं होगा, पूरा उसका अंदर रख सकता, पता था। इसलिए उसको लौटाने के लिए विचार किया, वो अगर लौटे तो परमंश है, वो प्रवचन करते रहे और तारा दुनिया में भागवत का प्रचार हो जाएगा। अर्थात ठाकुर जी का सेवा के लिए, भागवत जी का सेवा के लिए ही वैष्णव जी पुत्रों का पीछे दौड़ा, और कोई कारण नहीं। आ तुम्हारा लड़का का पीछे दौड़ने का मतलब, एक लड़का साधु होते जाया बड़ा भले रोना शुरू कर दिया माता पिता, बोले क्यों, अगर संत बन जाए कोई लड़का तो मैया का एकदम हो गया खत्म, पागल का मा भी, अरे क्या हुआ। अगर लड़का फॉरेन जाए नौकरी करने तब कुछ नहीं कर बोलेगा, तब तो आनंद है। लड़का फॉरेन में है जहां 10,000-15,000 किलोमीटर दूरी है तब भी कोई बात नहीं, तब कोई दुख नहीं, कैसा माताजी बूझो।
और साधु बन के भारत में रहे भजन करे वो बर्दाश्त नहीं होती। कैसा बुद्धि है मैया लोग विचार देखो। तो ये जो है ये पुत्रित तन्मयतया तरव विनय दून आर ऐसे चिल्लाते रहे वैष्णव गोस्वामी जी। और सारे जितना पेड़ पौधा है पहाड़ी चट्टी है सबसे सब जगह से एक इको आ रहा है, जैसे आपका लगेगा इको कि इधर इको बोला नहीं, क्योंकि वो सब उत्तर दे रहा है। जब वैष्णव गोस्वामी हे पुत्र बोल रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया है आजुहाब चिल्ला रहा है, तो अब जैसे लगता मानो कि ये सारे पहाड़ चट्टी पर्वत और सब पेड़ पौधा जो है उत्तर दे रहा है कौ पुत्रो कौ पुत्रो कौ पुत्रो कौ कौन किसका पुत्र है किसका पीछे दौड़ रहा है। क्यों वैष्णव गोस्वामी सर्वभूत हृदय में प्रविष्ट हो सकता समझा नहीं। वैष्णव गोस्वामी ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंकति ऐसा अवस्था प्राप्त किए वैष्णव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंकति ये जो अवस्था है ये सुखदेव गोस्वामी का ऐसा अवस्था था। सर्वभूत में भजन करते करते ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ब्रह्मभूत मतलब ब्रह्ममय हो गया। तो जितना सारे पेड़ पौधा है जैसे कि लगता है ये अपना शरीर को छोड़ के लगता है सारे ये जो भूत सारे ये जो है पेड़ पौधा है पहाड़ी चट सब में अनुप्रविष्ट हो गया और मानो कि उधर से उत्तर आ रहा है कि कौन किसका पुत्र ऐसा होता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। आयो सानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम आध्यात्म दीपमति तितुरशतम तम अंध्यम संसारीनम करुणाय पुराण गुझम तंग व्यास सोनुम उपजामी उपजामी गुरु मनीनाम। गुरु बोला कौन बोला सुतदेव गोस्वामी गुरु माना किसको सुतदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के गुरु मान यस सानुभाव अखिल श्रुतिसारमेकम अपना अनुभव से पुष्ट अखिल श्रुति का जो सार है आध्यात्म दीप है प्रदीप आदि प्रदीप आध्यात्म दीप अपना अनुभव के द्वारा सारे श्रुति आदि का जो निचोर है आध्यात्म दीप जो कि जगतवासी का उद्धार जगतवासियों का उद्धार के लिए तितिरशतम माने तम अंधम अंध तमो तमो अंधेरा छा गया ना जगत में ये अज्ञान का समुंदर है। ये समुंदर अज्ञान का समुंदर को पार करने के लिए संसारीनम करुणा यह संसारी जीवों का मंगल के लिए संसारीनम करुणा यह पुराण गुझम अर्थात ये भागवत जी महापुराण जिन्होंने प्रकाश किया सुंदर अपना अमृतमय प्रवचन के द्वारा ऐसा जो है मेरा गुरुजी का जो लक्षण पहले बताया ये जो व्यास सोनुम व्यास जी का जो पुत्र है ये सुखदेव गोस्वामी ये गुरु का चरण में गुरुजी का चरण में पहले हम दंडवत करें त्वंग व्यास सोनुम उपयामिम उपयामिम माने एकदम परिपूर्ण शरणागत हो उपयामिम परिपूर्ण शरणागत होकर गुरुचरण में दंडवत करे और गुरुचरण गुरुचरण के सामने ही बैठ जाए क्योंकि गुरुचरण से जो दफा हो जाए गुरु वैष्णव का चरण से जो आंखें मोर ले मुंह मोर ले उसका जिंदगी खत्म। गुरुचरण से जो अपना मुंह को मोर लेता है वो उसका खत्म उसका कुछ नहीं होने वाला। संसारीनम करुणा यह पुराण गुह्यम त्वांग व्यास समुपयामिम गुरुम मुनीनाम मुनीनाम जितना सारे मुनि ऋषि है देखो क्या टाइटल दिया बोले गुरुम मुनीनाम जितना सारे मुनि ऋषि है तमाम मुनि ऋषि
चाहे व्यास पराशर धूम हैं जो भी ऋषि है ना, सारे जितना सारे ऋषि मुनि हैं सब मिनि ऋषियों का गुरु है। अब सोचो क्या बात है, काल का लड़का है 16 साल का उम्र, पूरा बोले दुनिया का जितना ऋषि मुनि है बोले त्वम व्यास सुनम उपजम गुरु मुनि नाम। अब मुनि नाम बोलते तो कोई तो रेस्ट्रिक्शन किया नहीं को ये मुनि का गुरु है वो मुनि का गुरु ने ऐसा तो बोले, गुरु मुनि नाम माने ओपन टर्म खुला शब्द है, पूरा दुनिया में जितना सारे मुनि ऋषि है सबका गुरु है कौन, ये सुखदेव गोस्वामी जी। ये आप पता करके लो, अब ध्यान से ये सब बात को सुनना, किसका बात सुनने बैठे हो, सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन भागवत जी का ऊपर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नारायण नारायण नमस्कृत्य, नारायण हैं नारायण 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 को दंडवत किया, नारायण नमस्कृत्य और नरं चैव नरोत्तमं, इसके द्वारा क्या क्या आता है, बुद्धि का आश्रम में नरनारायण का अवतार सुने हो, और पहले भी हम दो दिन पहले कह चुके कि ये जो नर नारायण ऋषि है पुराणों में है, ये नारायण ऋषि संक्षेप रूप में भागवत जी का जो स्वरूप है नारद जी का पास बोला था, ये आया। तो बुद्धि का आश्रम में नरनारायण जो ऋषि है, उसका बाद जो व्यासदेव जी है, देविंग सरस्वती जो निशिंग भगवान का जवान पे सरस्वती दिव्य सरस्वती रहती है, बागी सजस्व बदने लक्ष्मीर यस्य च बक्षसी, ये बोला ना बागीशा बाग देवी, बागीशा यस्य बदने लक्ष्मीर यस्य च बक्षसी, ये निशिंग देव है। तो नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, तो बद्रिका समय नर नारायण अवतार ऋषि उत्पा, उसका बाद वेद व्यास का प्रादुर्भाव, इसे पहले नरनारायण ऋषि तत्पर देवी आद्याशक्ति सरस्वती, उसके बाद शास्त्रों का अधिष्ठाती देवी जो सरस्वती उसका दंडवत तो बोला, चकार इत्यादि किया, देवी सरस्वती व्यासम इत्यादि। और ये जो नरोत्तम बोला है, ये नरो नारायण दो है ना, वही ठाकुर जी का स्वरूप है, एक नरो बन एक नारायण बन के एक नरो बन के, ये नरो का साथ वो उसका ही वंदना किया एक साथ नरो नारायण। तो ये जो है संसार को जय करने वाला जय ग्रंथ, जय ग्रंथ किसको बोलता है, जय ग्रंथ किसको जयंती बोलता है ना, जयंती शब्दों भगवान श्री कृष्ण छोड़कर और संसार को पार लगाने वाले भगवान का शब्द ब्रह्म का जो स्वरूप है भागवत जी महापुराण आदि जय ग्रंथों जो है ये जयंती शब्दों संसार में आजकल पागल के मापी यूज किया जा रहा है, रविंद्र जयंती है, ये जयंती है, फलाना जयंती है, ऐसा होता नहीं। जयंती शब्दों जयंती शब्दों जो है दूसरे जगह यूज करना उचित नहीं है, इस सिद्धांत तो विरोध है। जयंती शब्दों एकमात्र नित्य भगवान जो है, ये जो ठाकुर जी है, ठाकुर जी के बारे में यूज किया जाता, और भागवत जी महापुराण संसार पार करने के लिए सर्व का तो है ही है साधन है, तो इसका लिए यूज किया जा सकता है, जय ग्रंथ है। लेकिन जयंती शब्द एक मात्र कृष्ण जन्म तिथि छोड़ के भगवान का जो आविर्भाव ये छोड़कर दूसरा जगह ये यूज होता ही नहीं, लेकिन समाज को क्या कहें, ये लोग तो यूज करते रहते हैं। सब पुंसाम परो धर्म यत भक्ति रधोखजे अहे तुक्य प्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति, सब पुंसाम परो धर्म
यतो भक्ति रदोखजे अहे तो क्या प्रतिहता जय आत्मा सुप्रसीदति। ये भागवत जी महाप्राण के बारे में बताया, सौ बोई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोखजे, सौ बोई बोई मतम निश्चित मेव गारंटी, निश्चित पूर्ण रूप से जान लो सवई पुंसाम परो धर्मो, इसी को ही परो धर्म बोला है। धर्म तो बहुत है, देह धर्म है, मन धर्म है, समाज धर्म है, लौकिक बहुत सारे धर्म है ना, लेकिन परो धर्म एब्सोल्यूट धर्म जो है ये कौन है, कौन सी है, ये एब्सोल्यूट धर्म है भागवत धर्म। इसी का बारे में ही यहाँ बोला गया सवई पुंसाम परो धर्मो, यही परो धर्मो अर्थात एब्सोल्यूट धर्म अर्थात भागवत धर्म बोला जाएगा, यो कि अधक्ष जो भगवान का सेवा के लिए यूज होता है। सौ क्या किस लिए, यतो भक्ति, यतो मतलब जिसके द्वारा जिसके द्वारा एकमात्र अधक्ष जो भगवान में ही भक्ति, भज धातु मतलब सेवायाम सेवा, अर्थात जो एकमात्र भगवान का सेवा के लिए तू भाई अपराकित भगवान का सेवा के लिए जो व्यवस्था है वही भक्ति। भक्ति शब्दों को विभाग करो व्याकरण में भज धातु से आता है, भज मतलब सेवा, तो भक्ति मतलब सेवा करना ठाकुर जी का सेवा, कौन सी सेवा, यतो भक्ति अधखजे, दो शब्दों आता है, एक तो अधखजो एक तो अखजो, हम थोड़ी सी शब्दों में बताएंगे क्योंकि टाइम खूब कम है। अधखजो और अखजो, अखजो मतलब जो मेटेरियल वस्तु है चारों ओर दिखाई पड़ता है, ठाकुर जी का स्वरूप मंदिर वैष्णव ये सब छोड़ के बाकी दुनियादारी का जितना चीज है नासवान चीज, जो चीज इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोला क्या बोला, बजे इंद्रियों के द्वारा अनुभव करने वाला विषय इसमें बुद्धिमान व्यक्ति कभी रमन करते नहीं है, ये बोला ना गीता के श्लोक व्याख्या किया था, ये ही संस्पर्शजा भोगहा बोला था ना श्लोक, भूल गया, सब भूल जाते, जे ही संस्पर्शजा भोगहा दुख जनय एवते, ये दुख दान करने वाला है, जे ही संस्पर्शजा भोगहा, टेंजिबल जो सुख है अनुभव करने वाला तुम्हारा इन त्वचा का द्वारा स्पर्श सुख, आंखों के का देखना, कानों के द्वारा सब मेटेरियल सुख जो है एंजॉयमेंट है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख जन एवते, ये दुख दान करने वाला है, क्यों, आद्यंत बंतो, ये सुख का स्टार्टिंग है और एंड है, अभी शुरुआत हुआ दो मिनट बाद खत्म, उदाहरण दिया था ना परीक्षा में पास हुआ डिस्टिंक्शन लेके पास किया, एकदम मिठाई का बाहर आ गया, आनंद से नाच रही है मैया, अब बाद में बच्चा वो लड़का स्कूटर लेके पिताजी से गया हाई, अब दोस्तों का घर खबर देने के लिए हाईवे आया तो गाड़ी मर दिया पूरा डेट, तो अभी आनंद आनंद का बार अभी दुखी समुंदर में गिर गए। तो ऐसा ही ये जगत का जो सुख है, जो आनंद है, जो एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट तो जरूर है नहीं तो क्यों संसार करता है आदमी, ये जो सारे संसार जो संसार में घुस सारे आदमी जो संसार कर रहा है तो जरूर सुख है, वो कैसा सुख है, बोले अभी है अभी नहीं, अभी हंस रहे हो दो मिनट बाद रोना पड़ेगा, ऐसा सुख है। आद्य अंत बंतो, ये आदि है अंत है, आदि मतलब शुरू हुआ अंत है, तो ऐसा सुख बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं, ये सुखों के लिए बेचैनी पैदा हो जाता है दिल में, लेकिन होना नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। जो भी है इधर जो है, जो अधक्ष जो वस्तु कौन है, अधक्ष जो वस्तु जो आंखों के द्वारा देखा नहीं जाता, कानों के द्वारा मुश्किल से गुरु वैष्णव का कान सुनते सुनते दिक्खा हो जाने का बाद धीरे धीरे समझ में आएगा, दिक्खा का पहले तो होगा शब्द ब्रह्मों का, ये हम सिद्धांत की बात कह रहे हैं, जो सुनते सुनते थोड़ा अनुराग आएगा, समझ में थोड़ा बहुत पूर्व सुकृति है, उसके बाद क्या होगा, वो गुरुचरण आश्रय के लिए व्यस्त हो गए, ये सूक्ष्म सिद्धांत है, ध्यान से सुनना,
इस सिद्धांत तो बाजार में आएगा नहीं। अगर देखा गया कि कोई आदमी मंदिर में डेली आता है, मंदिर में आता है, माथा टेकता है, गुरु वैष्णव को थोड़ा ढूंढ थोड़ा दान देता है, महाराज ये ले लो ये लो लो, एकादशी भी थोड़ा इच्छा जोर जबरदस्ती कर लेती है, लेकिन दीक्षा नहीं लेते, पिछले 10 साल से 15 साल से यही कर रहे हैं, मंदिर में आए और थोड़ा बहुत कथा में बैठे, इधर उधर भागे, सब कर रहे हैं, तो गुप्त सिद्धांत ये है तो उसका भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं पैदा। बोले महाराज कैसे, वो तो आता है मंदिर में, ये गुप्त सिद्धांत है, बाजार में नहीं मिलेगा, सूक्ष्म सिद्धांत है एकदम, सीक्रेट सिद्धांत। जीव गोस्वामी पाद लिखे, वो अगर मंदिर में आए, सत्संग करे, कथा सुने, तो हम तब समझेंगे वो कथा सुना, उसका अंदर में वास्तव श्रद्धा पैदा हुआ, जबकि उसका अंदर में दीक्षा लेने के लिए गुरु का लिए गुरु का अन्वेषण शुरू हो जाएगा एकदम। हमको गुरु चाहिए जो हमको मार्ग दिखाए, जब तक ये व्यवस्था ना हो तब तक उसका वास्तव श्रद्धा नहीं है। जीव गोस्वामी बोले वो है नहीं, वो नाटक है, वो नाटक है, वो आ रहा है मंदिर में घूमता है, सब कुछ करता है सब भी, लेकिन वो वास्तव श्रद्धा नहीं है। तो कितना शुद्ध सिद्धांत तो देखो, तो ये अधक्ष जो वस्तु जो है, जो ये प्रपंच का वस्तु नहीं है, प्रकृति के परे एकदम, कौन सी अवस्था में है ठाकुर जी गोलोक धाम में। फिर ये जो विषय है इसका बारे में जीवों का सही बात सुंदर बताए, अधक्ष जो अक्ष जो वस्तु, तो समझ गया आप, जो हमारा इंद्रियों के द्वारा अनुभव होने वाला जो वस्तु है सारे अधक्ष अक्ष जो वस्तु, अक्ष जो माने खैसील नाशवान। अधक्ष जो का व्याख्या थोड़ी सी हम शब्दों में कर दे, थोड़ा तो किया बाकी कर दे। अधकृत अक्षज ज्ञानम, अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इति अधकज, कैसा व्याख्या हुआ, अधकृत अक्षज ज्ञानम, जो खैशील जो ज्ञान है, तुम्हारा जो बुद्धि है विचार है, तमाम जितना सारा एडुकेशन किया उसके द्वारा मेंटल स्पेकुलेशन विचार चल रहे। हम पहले भी बहुत सभा में ये बात को शिक्षित समाज के सामने पेश कर दिया, क्या है, हैं? आपका जो विचार है ये भगवान तक नहीं जाएगा, स्पर्श नहीं करेगा, हैं? ये विचार भगवान तक जाने वाला नहीं, तो इसलिए अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय ज्ञानम जेनो, जिन भगवान के द्वारा तुम्हारा खैशिल जगत का जो ज्ञान है, ये ज्ञान धक्का लगते हुए जगत में वापस आता है। ठाकुर जी को जानने के लिए जो ज्ञान तुम एक ये जगत का ज्ञान यूज कर रहे हो, ठाकुर जी उसको एक लात लगाकर अपना महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित है। अर्थात एक शब्द ये है कि जो ये मेटेरियल जड़जगत का किसी भी ज्ञान विद्वा के द्वारा जिसको जाना नहीं जाए उसी को ही अधक्षज भगवान बोले। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये बात को हम अक्सर भरे सभा में एडुकेटेड सोसाइटी में बोलते हैं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ, अप्रागित जगत का विषय में जानकारी लेना चाहो जानना चाहो तो आपका पैसा का बुद्धि, पैसा का बल और शरीर का बल, जनबल, धनबल, विद्या बल जितना भी है सारे फेंक फाक के आ जाओ, नंगा हो के आओ। जो हमको आएगा ना चिरहरण, आप सोचेगा बा 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 भगवान कैसे नंगा लीला, नहीं, ये पशु लोग है जो ऐसा व्याख्या करता है, पशु लोग भागवत प्रवचन कर लिए बैठते हैं, ये व्याख्या नहीं है, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ठाकुर जी तमाम दुनिया का मालिक भगवान है साक्षात, ठाकुर जी को क्या पड़ा है ये सब फालतू चीज, कोई समझे नहीं भगवान श्री कृष्ण का लीला। इसी का उपकार हम ध्यान देंगे दसम स्कंद से लेकर धीरे धीरे ग्यारह स्कंद, सब ज्यादा इस जो अधिवेशन चल रहा है 1 महीना का, इसमें ज्यादा हम ट्रेस
प्रेशर अब फोकस रहेगा मेरा ये सब विचार, एक एक समय एक एक विषय के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। जो भी है अभी अब समझ में आ गया जो अधक्ष जो वस्तु कौन है, अक्ष जो वस्तु कौन है, और वो अधक्ष जो वस्तु का जो सेवा इसमें मन लग जाए, सौ इपुंग संपरो धर्मो यो तो भक्ति अधक्ष जो भगवान में लग जाए मन बुद्धि जितना सारे सेवा इंद्रियों के द्वारा सारे हो जाए। आ जो अहेतु की अप्रतिहता, जो सेवा में कोई हेतु नहीं है, सेवा कोई हेतु करता है ना, ठाकुर जी ये कर दे तो हम भोग लगाएंगे, नहीं तो लगाएंगे नहीं, निशिंग भगवान हमारा इनकम टैक्स से समस्या का समाधान कर दे तो हम ये एक 20 केजी दूध का भोग लगाएंगे, ये हेतु मूला भक्ति, ये भक्ति नहीं हुआ, ये तो बिजनेस हुआ, इसको बिजनेस बोला जाता है, ठाकुर जी तुम ये कर तो हम ये करेंगे, ये तो बिजनेस हुआ, ये भक्ति नहीं हुआ। अहेतु की अप्रतिहता, इसमें कोई हेतु नहीं रहेगा, हेतु नहीं रहता है बिल्कुल, जो भक्ति करता है वास्तव कोई कारण नहीं है, कारण है नहीं फिर भी कारण है, ठाकुर जी अनंत जगत का आधार है, मेरा स्वामी है ठाकुर जी सुर के, दूसरा कोई स्वामी है ही नहीं, स्वामी बना के बैठा लिया आप जिंदगी में, स्वामी कोई है ही नहीं, तमाम दुनिया का एक ही स्वामी है। स्वामी शब्दों का अर्थ क्या है, स्वामी शब्दों का व्याख्या करो तो क्या आएगा, जो समूह मृत्यु से मौत से हमको बचाए उसका नाम स्वामी, हमारा रक्षा के लिए जो हर हालत में तैयार है उसी का नाम स्वामी है। और जगत का स्वामी, जगत का स्वामी मर गया और पत्नी जो कि जो है हमारा क्या आता है, अब तो स्वामी नाम दिया, स्वामी तो स्वामी का क्या हुआ, स्वामी चला गया, तो ये जो स्वामी है भगवान ये ऐसा स्वामी नहीं है जो आपको रोने का समुन्द्र में फेंक कर चले जाए, हैं ऐसा नहीं, ठाकुर जी ऐसा है उसी स्वामी। तो ये जो है बोलते अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता शब्दों का व्याख्या सुन लो, जैसे गोमुख से गंगा बहती हुई पहाड़ी चट्टी से धक्का लगते लगते देखोगे तो घबरा जाओगे, उधर तो जाओगे नहीं, वहां तो पहुंचना तुम्हारा मुश्किल है, डर लग जाए, ऐसा ये इतना बड़ा बड़ा पत्थरों के साथ धक्का लगते लगते एकदम बहती हुई आ रही है, किसी भी जगह गंगा को रुकना संभव नहीं, गंगा जी बहती हुई समुन्द्र का वो, कोई भी बाधाएं आए भगवत का भजन में वो बाधा करने, महाराज सुबह के टाइम में टाइम नहीं मिलता, आता नहीं कथा में, तो ये बाधा जो है ये तुम्हारा बाधा हो गया, ये भक्ति नहीं हुआ। भक्ति जो है वो कोई कॉजलेस, हम सुनेंगे नहीं, ऐसा होता ना जड़ जगत में, कोई देखो कोई छोकड़ा कोई छोकड़ी के साथ प्यार कर लिए, वो मानता ही नहीं, किसी भी हालत पहुंच जाए उधर, बहाना बना के पहुंच जाए, जो महाराज वो संभव है कथा में संभव नहीं है, बहाना बना के पहुंच जाए, वहां स्कूल जाती हूं पहुंच गया उधर झूठा बोल के, तो क्यों, क्योंकि हृदय का एक ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है, एक तो हृदय का ऐसा ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है इरिसिस्टेबल, इसको रोका नहीं जाए, ऐसा दुरंत तो वो मानता नहीं, रोक टोक मानेगा नहीं, या जो है ऐसा ही है। ठाकुर जी का ऊपर प्रीति है, जो लोग संत महात्मा वास्तव प्रीति किया तो उसका भक्ति ऐसा ही है, किसी भी हालत से उसको रोका नहीं जाएगा, चाहे तमाम दुनिया खिलाफ चला जाए, महाराज बड़ा कड़ा प्रवचन देता है, कोई मत जाओ ठीक है अच्छा है कोई बात नहीं, हो तो ठाकुर जी के लिए कहते रहेंगे, देखो क्या बात तो ऐसा है कि अज्ञान है अहेतु की अप्रतिहता। अच्छा इसका बाद थोड़े से शब्द हम व्याख्या कर दे, उसका बाद आगे चलेंगे। जो धर्म सानुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुज नोत्पादेत यदि रोति, नोत्पादेत यदि रोतिम श्रम एव ही केवलम, इतना दिन से मठ में रहा
इतना भक्ति किया, इतना सेवा किया, लेकिन देखा जाते देखा गया कि उसका ठाकुर जी का कथा में रुचि नहीं है, नाम पे रुचि नहीं, तो 100% समझ लो कि वो हुआ नहीं, उसका कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसलिए बोला धर्मो सनुष्ठित हो, ये जो अगर पुंसा बोलचे विश्वक से कथा सोचो, भगवत का कथा में आपका रति वर्धन ना कर दे, प्रीति वर्धन ना कर दे, तो आपका भक्ति सही हुआ नहीं, अभी भी गलती है उसमें। समझा मेरा बात? सारे स्टैंडर्ड जो है वो जो यार्डस्टिक अंग्रेजी में बोला जाता है मेजरमेंट, जैसे थर्मोमीटर है ना, इधर लगा दो कैसा बुखार है, यहाँ लगा के फिर देखो 102, ये थर्मोमीटर है, इसके द्वारा मापा जाएगा तुम्हारा भक्ति है कैसा, कथा में कितना रुचि, इट्स ए काइंड ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। कथा और कीर्तन में ज्यादा रुचि है तो एकदम, वो भी अहेतु की, हेतु नहीं है, अच्छा लगता है तो ठीक है पक। तो इससे बोला धर्म सनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुज नोत्पादेद यदि रोतिम, अगर कथा कीर्तन में रुचि नहीं हुआ हुई, रुतिम श्रम एव ही, अगर रुचि नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, परिश्रम बेकार गया, श्रम एव ही केवलम, तुम्हारा परिश्रम बेकार गया, जो भी है। और जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीवस्व तत्व जिज्ञासा ये भागवत का निर्णय है। अगर किसी का हृदय में तत्व जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पैदा नहीं हुआ तो कितना दिन से क्यों नहीं वो आते रहे सत्संग करे, सब बेकार, हम व्याख्या किया उसके बारे में, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, सुकृत ही बढ़ते चलेगा, भगवान में किसी और ज्यादा पैसा आएगा, मकान बिल्डिंग हो जाएगा, दुकान खुलेगा, नया नया धंधा खुल जाएगा, बस ठाकुर जी का ऊपर जो प्रीति है वो नहीं होगा। और ऐसा है गे विद्यते हृदय गंथी सिद्धन्ते सर्व संशय खियन्ते चास्व कर्मानि दृष्टनेवात्मनिश्वरे। क्या बोला? विद्यते हृदय गंथी सिद्धन्ते सर्व संशय खियन्ते चास्व कर्मानि दृष्टनेवात्मनिश्वरे। बोले ठाकुर जी कथा सुनते सुनते ठाकुर जी का जरा सा भी ध्यान आ जाए, दर्शन हो जाए, तो भिद्यते हृदय गंथी छिद्यन्ते सर्व संशय खियन्ते च कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। जब आत्मनिष्ठ बुद्धि पैदा हो जाए, ध्यान से सुनना, भिद्यते हृदय गंथी, हृदय का जो गंथी है, ग्रंथी, हम जब भागवत का महिमा के बारे में थोड़ा बताया था उसमें बताया था, ये जो धुंधुकारी ग्रंथि मतलब गांठ, ग्रंथि मतलब गांठ, जो ग्रंथि अविद्या अभिनिवेश अहमिता ममता ये सारी किस्म का ये गांठ है, इट्स ए काइंड ऑफ बॉन्डेज, जैसे रस्सी से बांधा जाए, ये तो गांठ, गांठ तो है ही है ना, गांठ है ना, ग्रंथि, हम जाए कैसे, हमको तो गांठ गंठू लगा दिया, लेकिन ये जो है अहमिता ममता, तुम्हारा ममता है संसार में पोता पोती सब, ये तुम्हारा लिए ग्रंथि है, यू आर इन जेल, वास्तविक विचार करो तो माया देवी का जेल में हो, अभी तो छुटकारा नहीं, कैदी हो, जेल का कैदी तुम, सच्चा विचार करो, हम चीटिंगबाजी करने के लिए बैठे नहीं तो तुमको आह हम आइया कैसा किया, झूठा नहीं बोलेंगे, जो है सही बोलेंगे, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए तो सही बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो उल्टा रास्ता चला जाएगा। तो ये अहमिता ममता अहंकार अविद्या जो है वो सब अविद्या का ग्रंथि है, इट्स ए काइंड ऑफ बॉन्डेज, सारे ये ग्रंथि को जब तक ना काटो
तब तक मुक्त होना संभव नहीं। अब जब तक मुक्त ना हो पाओगे तब तक ठाकुर जी के पास कैसे जाओगे, कैसे जाओगी, समझा मेरा बात। तो ये जो है ये श्लोक जो है इसको याद कर दे, ध्यान ध्यान देना इस पर। विद्यत हृदय ग्रंथी छिद्यन्ते सर्व संशय, कियन्ते च कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। जब कथा सुनते सुनते वास्तव अनुभव आ जाए तो क्या हो, झलक लगेगा। नारद जी का जीवनी आएगा अभी, थोड़ा सा श्याम सुंदर का जैसे एक आ रहा है हृदय में मजा, तब तो सोचो कि ग्रंथी जो है आपका काट रहा है, काटते काटते सफा। कियन्ते च कर्माणि, वो जो कर्म का जो बंधन है जो तुमको एक जन्म से दूसरे जन्म में डालने वाला है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि मातृ जठरे स्वयनम, ऐसा है ना, एक शरीर को छोड़ोगे दूसरा जन्म हो जाए, तो कौन सी बड़ा बात है ये शरीर, ये पैसा, ये सब रिलेटेड रिलेटिव चीज जो है, क्या क्या वेलत है, क्या कीमत है, समझाओ तो, हिम्मत है तो समझाओ मेरे को, क्या है कीमत दिखाओ जिसमें तुम फंसे हुए हो, इतना अहमिता ममता सब लगा के बैठे हुए और बोल रहे हो हम भजन कर रहे हैं। भजन करने का पहले काटो, पहले तो काटो ये सब चीज, फिर भजन हो। तो विद्यते हृदय ग्रंथी, हृदय का ग्रंथी सब छेदन हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथी छिद्यन्ते सर्व संशया, हृदय में जो जितना किस्म का डाउट्स है, कब आदमी संत बनता है, पक्का संत ऊंचा, जब उसका हृदय में कोई संशय संदेह शेष नहीं रह जाता, समझा, तभी संत बनता। अब अभी भी संशय है हमारा, खुद का दिल में संशय है, हम भागवत प्रमोशन करने के लिए बैठे, ये कैसे हो सकता, ये बड़ा मजादार कलिकाल में ये मजा चल रहा है, वृंदावन में इधर सारे मालामाल हो रहा है पैसा का, जबकि शास्त्र में बोला हुआ है हमारा प्राण चले जाए, थोड़ा बहुत पैसा का जरूरी है, प्राण चले जाए, ऐसा अवस्था आया ठाकुर जी का परीक्षा, फिर भी भागवत प्रवचन के द्वारा पैसा नहीं मांगना है, प्राण कृच्छे उपस्थिते उपी, प्राण चले जाए ऐसा हालत हुआ, और ठाकुर जी परीक्षा ले ले, अभी तेरा हालत ऐसा कर दिया तो तेरे को बोलना फोन कर दे ओ मैया तो दे देगी पैसा, वो तो लेगा नहीं सर, ये ऐसा हालत कर दो फिर भी लेगा नहीं, वो हम मर जाए तो मिट जाए हम देंगे नहीं, तुम्हारा इच्छा है तो किसी सेवा में बोलो ये सेवा है कर लो, इसमें हम खुशी है। तो भागवत जी महापुराण ये कथा है, राम कथा भागवत जी कथा, इसके द्वारा बिजनेस नहीं करनी चाहिए, बिजनेस होनी नहीं चाहिए। ऐसे इधर बताया तुम्हारा जो जितना सारे संशय है संदेह डाउट्स है सारे मरमिट सारे मिट जाए तो हम समझे कि गुरु कृपा हुआ है, गुरु कृपा तो तब हम समझे तुम्हारा दिन में कोई संशय का शेष ना रह जाए, नो डाउट्स, तब हम सोचे कि गुरु कृपा वैष्णव कृपा, वैष्णव तत्व गुरु तत्व एक ही है, अलग तत्व नहीं एक ही है। तो ऐसा है, और दुनिया में ऐसा नियम है, रजस्तम प्रकृतयु समशिला भजंती हुई, जो जैसा किस्म का आदमी है वो ऐसा किस्म का दोस्त ढूंढ लेते, ऐसा है ना, पियक्का जो है पीने वाला आदमी को दोस्त बना देते, चिलम पीने वाला वो अपना दोस्त है। हम एक दफे बहुत बार गया, बहुत बार ने दो तीन बार तो दो बार होगा कम से कम, बद्रीनारायण में गया, इधर पहाड़ी चट्टी में पहाड़ों में तो बहुत बार गया, तो एक दफे गया तो सांस ढल गया, हम सोचे कि पहाड़ी चट्टी है इसमें कहाँ रह जाए, मंदिर में रहने का व्यवस्था नहीं है, रात को 9 बजे सबको निकाल दें, हम सोचे कहाँ जाए, और बर्फ गिर रहा है, तो ढूंढते ढूंढते एक आदमी बोला उधर जाओ वहाँ संतों का झुंडू रुक रहा है, हम सोचा गया, और एक आदमी भी संघ में जुड़ गया, बाद में जुट गया हरिद्वार से, हम तो लिया नहीं उसको, किसी को लेते नहीं, तो वो जब उधर ढूंढते ढूंढते उधर गया, और जाके वो जहां संतों का झुंड रुका था वहां के हम पहुंचा,
अंदर से आवाज लगा, सारे संत जितना सारे है वो संत है कि क्या है वो तो आप जानो, हम नहीं जाने। बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। अंदर में देखा धुआं धुआं, चिलम का धुआं। हम बोले ठाकुर जी कहां भेज दिया हमको, हैं? हम फिर उल्टा रास्ता, जवाब नहीं दिया, उल्टा रास्ता चला गया। हम कहां गया ठाकुर जी? वो सोचे कि हम भी चिलम पीने वाला है। वो चिलम से एकदम अंधेरा हो गया, अंदर से आए बाबा इधर आ जाओ आ जाओ। मैंने वो सोचा कि हम भी उसका उसका साथी है। ऐसा है कि रजस्तम प्रकृतयो समसेला भजंती बोई बोई माने निश्चित, जो जैसा किस्म का आदमी है वो ऐसा किस्म का दोस्त ढूंढ लेते हैं जगत से। ऐसा ही नियम है। जो भी है भगवान का इस कथन में, इसका तीसरा स्कंद में, वो ठाकुर जी का जितना सारे 24 अवतार का बारे में सारे एकदम हम दो एक बताएंगे, ज्यादा नहीं बता, आप सोच लोगे इसका अंदर में है सारे, क्योंकि व्याख्या नहीं हो पाएगा। सुतोदेव गोस्वामी अभी बता रहे हैं कि जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः स्वंगभूतम षोडश कला मदौ लोकस्य शिक्षया। ठाकुर जी का जो ये है, ठाकुर जी का बड़ा बड़ी बहुत अवतार है, अवतारा ही एते असंख्या, बहु असंख्य अवतार है, असंख्य अवतार है, गिना अनगिनत। पर शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि पृथ्वी का कितना धूलिकण है, बोले पागल हो गया महाराज, पृथ्वी का धूलिकण को गिना जाए? गिना नहीं जाए। शास्त्र में बोला अगर पृथ्वी का धूलिकण को गिना जाए फिर भी अगर संभव है तो ठाकुर जी का अवतार कितना उसको गुना नहीं जाए। तो इतना सोचो अनंत काल से कितना अवतार होते रहते हैं इन्फिनिटी ब्रह्मांड में, कहाँ लोगों का शक है महाराज कैसा पागलपंथी, पृथ्वी का धूली कहना इसको गिना जाए तो जा सकता है, हो सके, हो संभव तो नहीं है, संभव तो नहीं है हर हालत में, अगर संभव हुआ तो फिर ठाकुर जी का अवतार कितना है ये गुना संभव नहीं है। ये तो बच्चे ये जो कौन है खिर जो जो, जो कारणारणवसाई विष्णु, आदि तो है भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद सृष्टि का रहस्य में तीन अवतार का नाम आएगा आपका सामने, ध्यान से सुन के उसका विचार करना। एक है कारणारणवसाई, कारण सागर में ठाकुर जी सोए हुए हैं, अपना ही शरीर से पानी को पानी निकाला पसीना, वो अनंत सागर उसमें ठाकुर जी सोए हुए हैं कारणानुसाई, और उसमें अनंत ब्रह्मांड हो गया, हर ब्रह्मांड में ठाकुर जी फिर घुस गया एक एक ब्रह्मांड में, और फिर ब्रह्मांड में जितना सारे जीव हुआ सब जीवों का अंदर में घुस गया, समझा मेरा बात? तो कारण सागर में अनंत ब्रह्मांड है कारणानुसाई, और फिर जो है आपका गर्भोदय गोसाई जो है, जिसका नाभि नाल से ब्रह्मा जी पैदा हुए एक एक ब्रह्मांड का अंदर, और खीरद गोसाई जो है, खीरद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु, सबको का हृदय में, सब जीवों का हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। खीरद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु नाम क्या है? खीरद गोसाई अनिरुद्ध विष्णु। और ऐसा है विष्णु का, उसका बारे में सहस्रपादोरु भुजाननाद्भुतम सहस्र मूर्ध स्वर्णाक्षिनाशिकम, ये जो शब्द है ये सब महाविष्णु का बारे में ही बताएगा। ये जो विष्णु है इस सारे अवतार का बीज समझो, जब भी भगवान छोड़ के तो है नहीं, आदिकरण ब्रह्म संगत में है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदो सर्व कारण कारण, समझ आई बात? समझ में? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, इसका पीछे कोई नहीं। फिर भी अवतार का जितना सारे बीज है ये महाविष्णु का ये, तो इसमें से कितना सारे अवतार हुआ 24 अवतार का, थोड़ा बहुत हम शुद्ध पाठ करें, व्याख्या करने के दरकार, ध्यान से सुनो तो माने स्वयं आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से सुनो।
स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्म्या ब्रह्मचर्य मखंडितं द्वितीयस्तु भवायस्सो रसातल गतां महिम उद्धरिष्यान् उपादत्तो यज्ञेशो सौकरं वपुः तृतीयं मिसि स्वर्गं वै देवर्षित्वं उपेत्वस तंत्रं सात्ततम आचष्ट नैष्कर्मं कर्मणां यतः तुर्ये तुर्ये चार नंबर तुर्ये तुर्ये माने तृतीय बोल दिया एक दो तीन तुर्ये धर्म कला सर्गे नारायणो ऋषि भूत्या आत्मोपोसमोपेतम अकरो दुश्चरम तपः क्या क्या तुर्ये धर्मो कला सर्गे नरो नारायणो ऋषि हैं तुर्ये धर्मो कला सर्गे नरो नारायणो ऋषि दो है ना नारा नरो नारायणो ऋषि भूत्वा हैं आत्मोपोसमोपेतम अकरत दुश्चरम तपा दुश्चर तपस्या किए नर नारायण के रूप में पंचमहा कुपिलो नाम सिद्धे सुकाल विप्लुतम प्रवाचासुर ये स्वांख्यम तत्व ग्राम विनिर्णयम ऐसा कपिल जी महाराज के बारे में पंचम कैसे सांख्य तत्व का उपदेश किए ऐसा तत्व ग्राम विनिर्णयम ऐसा करते करते पूरा धान हम बीच बीच में दो एक बोल दे धान्यं वचन धान्यंतरम दाद समम त्रयोदशमेव च अपाययत सुरानमन्यान मोहिन्याम मोहयन स्त्रिया चन चतुर्दशम नार सिंहम बृभ्रद दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजई उर्वार एरकांग कटकृद यथा पंचदशम वामनकम कृत्वागाधरम बले पादत्रयम याचमानः प्रत्यादित सुत्रिविष्टपम ऐसा करके सारे अवतार का वर्णन किया धन्वंतरी होके ऐसा किया द्वादश त्रयोदश क्यों धन्वंतरी पहले धन्वंतरी तो अमृत हैं धन्वंतरी रूप में और फिर उसी टाइम पे जब सागर मंथन हुआ था उसी टाइम पे तो धन्वंतरी आए और उसका बाद मोहिनी अवतार उसी टाइम पे इसलिए एक साथ बोला द्वादश त्रयोदश द्वादश में पहले द्वादश अवतार में पहले धन्वंतरी अमृत लेके पैदा हूं और उसी अमृत का पीछे लड़ाई झगड़ा हो गया असुर असुरों में फिर ठाकुर जी मोहिनी रूप पकड़ के अमृत बंटन की इसलिए एक जगह बोल दिया धन्वंतरम द्वादशमम त्रयोदशम ए बचो अपाय सुरान सुरान्यान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया स्त्री रूप पकड़ के ऐसा किया चतुर्दश में नृसिंह रूप पकड़ ऐसा करके सारे अवतार का बात में अवतार का बारे में बोला एक विचार का बात ये है ततः हम सप्तदश अवतार का बारे में थोड़ा इसमें डाउट्स लगे इसलिए उठा रहे बात को ततः सप्तदश यातः सत्योवत्याम पराशरात चक्रे वेद तरह सखा दृष्टा पुंश अल्पमेद सहा जितना सारे समाज का आदमी वो कम बुद्धि वाले मेधा उतना नहीं है ये विचार करके सप्तदश अवतार में सत्यवती का कोख से आविर्भाव है पराशरात सत्यवत्याम पराशरात यातः कौन वेदव्यास वेदव्यास आविर्भाव वेदव्यास आविर्भाव होके क्या की भले ये जो वेद है वेद का इतना अनंत सागर जैसा इसको चार भाग किया क्योंकि बुद्धि कम है आदमी का ऋग साम यजु अथर्व चारों सेग्रीगेशन किया बाद में ये चारों जो सेग्रीगेशन है भाग है
इन भागों में कई भाग हो गया। यजुर्वेद जो है उसका ही कितना भाग, शुक्ल यजुर्वेद, ये वेद वो वेद, बहुत सारे शाखा एक टुकड़ा टुकड़ा हो गया, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं है आदमी में जो वेद को याद कर लो, अल्प मेधा है। अब वेद का जो नाम है श्रुति, पहले जो वेद का नाम था क्या, बचपन में पढ़ा था, वेद का दूसरा नाम है श्रुति। श्रुति कैसे पढ़ा, बोले ऋषि मुनियों ने ऐसा व्यवस्था किया कि गुरुजी बोलते चले और शिष्यों को याद हो जाता। बाप रे, गुरुजी बोलते चले और शिष्यों को याद हो गया। पहले लिखने का कोई व्यवस्था नहीं था, सुनने के बाद ही याद हो जाता, कोई भूल नहीं है। तो ऐसा जो व्यवस्था, इसीलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति, क्योंकि सुनने से ही याद हो जाता था पहले, अब नहीं होने वाला क्योंकि माया का चक्कर ज्यादा है इसमें। तो ये जो है इसमें एक विशेष है, वेदोव्यास जी आविर्भाव होके ये सब वेदों का भाग किया, और नरो देवत्यम आपन्नो सुरो कार्यो चिकित्सया सुमुद्र निग्रहादीनी चक्रे बिरजानी अतः परम। एक हैरान की बात है, हर जाएगा, ध्यान से सुनना, ये भी बड़ा गंभीर विचार है। देखो पहला अवतार में बोला प्रथमम तु, पहला अवतार, द्वितीय अवतार में द्वितीय अवतार बोला, तृतीय अवतार सब एक बोलते हैं, पंचम अवतार, चौथा अवतार, लेकिन यहां जो है, यहां हैरान की बात है, सप्तदशे यातः सत्यवत्याम पराशरात चक्रे वेद तरह शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेदसा। ठीक है, एक हो गया। दूसरे बार बोल रहा है नरदेवत्यम आपन्य सुरकार्यो चिकित्सया समुद्र निग्रहादीन चक्रे बिरजानी अतः परम। अब हैरान की बात है, ये तो राम जी का बात है, तो बोला सप्तदश अवतार बोला, राम जी का अलग से गिनती नहीं किया। ध्यान से देना, हर जगह एक दो तीन चार बोलते आ रहा है, लेकिन इसी जगह के ब्रेक हो गया, राम जी का तो गिना नहीं। बोले गिना तो है, कहां गिना है, बोले एक साथ गिना, वेदव्यास का साथ राम जी का अवतार गुना। बोले कैसे संभव है, हैरान की बात है ना, समाज का आदमी ये सब विचार नहीं करेगा, वो पाठ करके चले, क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या कारण है, कोई तो कारण होगा कि राम जी का अवतार और वेदव्यास का अवतार एक एक गिनती में आ गया, क्यों। बोले विचार ये है कि वेदव्यास जी का आविर्भाव तेता युग का अंतिम में हुआ और राम जी का भी आविर्भाव उसी समय हुआ, इसीलिए अलग से गुना नहीं गिना नहीं, एक साथ कर दिया, लापड़ा खत्म। अब इसी का इसी बात को खुलेंगे हम। भले महाराज ये फिर भी हमारा डाउट सारा है, भले ये बात को हम विचार करके फिर आपका पास पेश करेंगे, भले ये आएगा, देखो विचार आएगा इधर। ऐसा करते करते जब ये बात को ध्यान देना, ये बात को हम और विचार करेंगे। ऐसे तो बोल दिया कि क्या कारण है, सिर्फ इतना बता दिया, वो क्यों कारण है उसका जवाब हम देंगे अभी। अभी बात यह है कि इतना अवतार, आप ध्यान से सुनना, कृष्णों को अवतार का अंदर गिना नहीं जाता है, क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है, बलराम का अवतार हो सकता है, हैं? प्रलय पय धि जल धितवान सिवेदम, है ना, और बलराम का भी अवतार है, किंतु कृष्णों का अवतार, कृष्णों को अवतार बोलना अपराध है, कृष्ण तो अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी है, जिनमें से अवतार सारे आए हुए हैं, आते रहते, कृष्ण अवतारी, स्वयं अवतारी। इसलिए ये विचार को सुन लो ध्यान से, जो क्यों हम कृष्ण को ही भजन करेंगे, क्यों कारण है आपका, तो ये युक्ति ठीक नहीं है। बोले महाराज ये तो आपका रुचि है, जोर जबरदस्ती तो है ही नहीं, हम तो विचार आपका सामने पेश कर दिया, इच्छा है तो करो, नहीं है तो मरो, आ मरो नहीं दूसरा भजन करो, ठीक है, क्यों। बोले इसका उत्तर दिया, एते चांसो कलहा पुंसहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृयन्ति युगे युगे। इस श्लोक का लोक पर ध्यान देना, एते चांसो कलहा, जितना सारे अवतार हम
बताए अभी तक सब कला अंशों और कला, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कोई अवतार नहीं, साक्षात अवतारी है। एते चांस कला जितना सारे बताया, वो कई अवतार अंश है, कई कला है, ऐसा है। लेकिन कृष्ण भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो स्वयं साक्षात भगवान, जिसका भगवत्वा किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एक शब्दों में क्लियर हो गया, जिसका अवतार किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इज द एब्सोल्यूट रीजन, अंतिम कारण कृष्ण। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, कोई रिसर्च करे तो रिसर्च करने का तरीका ही है, जो लोग पढ़ा लिखा के जानते हैं, रिसर्च का कोई मसला है तो महाराज ये क्या क्यों हुआ, रिसर्च कैसे होता है, साइंटिस्ट लोग कैसे करते हैं। साइंटिस्ट लोग पहले जो रिसर्च का विषय है उसको लेके बैठते हैं विचार करने, ये क्यों हुआ, इसका पीछे कारण क्या है, यही तो कारण है ना इसको ट्रेस आउट करने का। एकदम दिन भर उसका ऊपर विचार करते, क्यों हुआ, कारण क्या है। और फिर दूसरा एक कारण दिखा गया, इसलिए है। अच्छा इसका भी कारण क्या है, इसका पीछे जाए, है ना। जैसे एक उदाहरण दे दे, शिक्षित समाज का बड़ा आनंद लगे, एजुकेटेड समाज का, जेलियो कुरी माधव कुरी का नाम केमिस्ट्री जो पढ़ा है वो जो जानते हैं, जेलियो कुरी माधव कुरी बड़ा गरीब इंग्लैंड का दंपति, और दिन भर बैठ के रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर रिसर्च करने का व्यवस्था है, पूरे दिन रात कुरो सोना बंद है, खाना बंद है, बड़ा तपस्या करते हैं। फिर एक फैक्ट्री से पिच ब्लेंड फेंका जाता, फैक्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट, और फैक्ट्री का प्रोडक्ट देख के उन लोगों को डाउट हुआ, ये प्रोडक्ट जो है, ये जो ये पिच ब्लेंड को हम फिल्टर करें अंतिम में थोड़ा बहुत रेडिएक्टिव मैंने मिल सकता, जैसे सोने का दुकान में उल्टा झाड़ू लगाता है, क्यों महाराज, हमको तो पहले पता नहीं था, बोला हम लोग झाड़ू लगा कर बाहर फेंकता है, वो लोग झाड़ू लगा अंदर देता है, बोले कारण ये है महाराज, वो धूला बिक्री होता है, धूला बिक्री, बोला हाँ उसका दुकान में कितना सोने का काम होता है, उसका पास धूला वाला जो है, धूला खरीदने वाला ये दुकान में आके धूला को खरीद में ले, और धूला को ऐसा ऐसा करके पानी में पागल का मैपिक, उसका बाद धोने के सोने का कण जो है वो मिलते रहता है। ऐसा इधर है, पिच ब्लेंड को आँख से जलाया, जलाते 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 अंतिम में फिल्टर करते करते 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम मे बी आई फॉरगेट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिला, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या किया, थोड़ा वो कोई पैकिंग में रखकर और अपना डेस्क जो है, टेबल जो है, टेबल का डेस्क में दे दिया, और उसका किसी भी हालत से कोई फिल्म था, फिल्म को फिल्म उधर था किसी कारण, और सुबह में जब रिसर्च फिर से शुरू किया रेस्ट लेने के बाद, री फिल्म तो एकदम काला था हमारा नया फिल्म, इसमें सादा सादा दाग कैसे हो गया, दिमाग खराब हो गया, बोले सादा दाग कैसे हुआ, ये तो हम पैकिंग करके अंदर रखा, तो उसका दिमाग में री तो फिर ये जो हम निकाला है रेडियो जरूर ये कुछ होगा। फिर दूसरा दिन फिर नया जो फिल्म है ला के रखा, वही कारण है, फिर सादा बन गया, बोले महाराज ये तो राज है कोई। फिर उसका ऊपर रिसर्च किया तो देखे उससे अल्फा बीटा गामा रे निकल रहा है। अब आज जो आप जो आपका एक्सरे करके ला बेटा जा एक्सरे करा ला, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था एक्सरे करा ला, एक्सरे किस लिए कर रहे हो, ये जो साइंटिस्ट है इसके लिए आप आज एक्सरे करा रहे हो, एक्सरे का जो विषय है वही है, फ्लिंग लगा के रे दे दे और पीछे आपका वो सब फिर सब आ जाता है। तो एक बता दिया, ऐसा साइंटिस्ट लोग का ऐसा ही विचार है, ये क्यों हो रहा है, इसका पीछे कारण क्या, तो उसका पीछे गया, तो ये क्यों हुआ, इसका पीछे गया, है ना। और हम अगर अभी बोले तमाम दुनिया का सृष्टि का पीछे क्या कारण है, अब अगर ट्रेस आउट करते करते चला गया पीछे 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 पीछे, देन यू कैन डिस्कवर दैट ओनली भगवान श्री कृष्ण इज देयर। समझा मेरा बात, समझ में आया ना, आई बात समझ में। इफ यू ट्रेस आउट एंड गो बैक टू द ओरिजिनल रीजन यू कैन फाइंड ओनली कृष्ण इज द अल्टीमेट रीजन बिहाइंड इट होल यूनिवर्स एवरीथिंग, जो कुछ भी है कृष्ण छोड़ के कोई कारण नहीं है।
तो अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये प्रमाण कर दिया हम, झूठा बात बताया नहीं। तो ये जो है एते चांसो कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब तो विश्वास हुआ, ये हमारा तो बात है नहीं, ब्रह्मा जी के स्वयं का बात है। ब्रह्मा जी कह रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व, ये ब्रह्मा जी स्वयं कह, जो कि देखे हैं, जो देखे हैं उसका बारे में कह रहे हैं। ऐसा करते करते विचार, तो धीरे 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 ये सब आ रहा है, सारे अवतार के बारे में ये सब हो गया विचार। इसके बाद जो है, जो भागवत का उत्पत्ति वर्णना में नारद जी का समागम है, बोले ये क्या हुआ, बोले प्रश्न किया सनकादि ऋषि, कस्मिन युगे प्रवित्ते अयम, कस्मिन युगे प्रवित्ते अयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिताम मुनि। कौन सी युग में, कौन सी युग में, कौन स्थान में, कौन सी कारण है कि भागवत संहिता प्रवर्तन माने प्रकटित हुआ। ऐसे तो नित्य है, भागवत नित्य है, जैसे सूर्य, सूरज अभी डल गया तो सूरज नहीं है, तो सुबह में प्रकटित हो जाएगा। ऐसे हमारा नजरों का बाहर जाए तो हमको लगता है कि सूरज मर गया, मर तो गया नहीं, गया। गुरु वैष्णव भी ऐसा है, आविर्भाव तिरोभाव ऐसा ही है। तो भागवत जी महापुराण तो नित्य है, ये भागवत जी महापुराण तो नित्य है, ये भागवत जी महापुराण कौन सी युग में, कौन सी स्थान में, किस किस कारण इसका प्रवर्तन हुआ, और किसके प्रेरणा से महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने ये संहिता का प्रणयन की, क्या कारण था। प्रणयन मतलब लिखा, ऐसा नहीं है। इस विषय में हम दो एक शब्द कह दें तो आपका डाउट्स चला जाए, तो आपका विचार है वेदव्यास लिखा है, वेदव्यास लिखा है, ठीक है वेदव्यास लिखा है, लेकिन ये जो लिखा है इसका पीछे रहस्य है। जैसे वेदो जिस विद्वानों ने, जिस साधु संतों ने वेद का पाठ किया है, वेदों का जो पाठ किया, वेदों का कई धारा है, वेद पाठ करोगे तो उसमें लिखा हुआ है वो ऋषि ये मंत्रों का द्रोष्टा। किसी जगह वेद पूरा छानबीन कर लो, किसी जगह ऐसा लिखा नहीं है कि जागवल्क ऋषि ये वेद का ऐसा इस ऋचा का रचयिता है, ऐसा लिखा नहीं। हर जगह ऐसा ही है, हर जगह ऐसा ही मिलेगा, ये इस मंत्रों का, इस जगह इस मंत्रों का द्रोष्टा ऋषि है अमुक ऋषि, इस मंत्रों का द्रोष्टा ऋषि है जगवल्क, अमुक ऋषि इस मंत्रों का द्रोष्टा, तो आप क्या समझोगे। वेदा अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब किसी ने उसको बनाया नहीं, अपौरुषेय मतलब अपना पौरुष, अपना जो बल है इसके द्वारा स्वतः प्रकटित है, इसलिए अपौरुषेय, अर्थात किसी ने इसको रचना किया नहीं, इस बात को ही साबित किया गया कि अपौरुषेय, किसी ने रचना किया नहीं, स्वतः प्रकट हो गया। सिर्फ इतना है कि भजन करते करते ऋषियों ने मंत्र जो है, मंत्र सामने आ गया, भजन करते करते जो मंत्र सामने आ गया याद कर लिया, या तो लिख लिया, समझा मेरा बात। मंत्र सामने आ जाता था, शुक्लो यजुर्वेद हैं, ये जो हमारा, ये जो तुम्हारा, ये जो जागवल्क ऋषि, जागवल्क ऋषि का गुरुजी एकदम फेंक दिया उसको, भाग, हमारा ज्ञान जो है सब दे दे, भूमि कर दे उसको भगा दिया। उसका बाद वो सूरज भगवान का प्रार्थना किया, दिन भर सालों साल भजन करते करते सूर्य भगवान संतुष्ट हो गया। सूर्य भगवान घोड़े का रूप पकड़ कर आए, क्या चाहिए, बोले ठाकुर जी शुक्ल यजुर्वेद का जो अंश ये जगत में प्रकटित नहीं है वो हमको सिखा दो। सूर्य भगवान को प्रार्थना किया, सूर्य भगवान बोले ठीक है चल दे देते हैं। सूर्य भगवान का बाजी मतलब घोड़े का रूप पकड़ कर ये शुक्ल यजुर्वेद का अंश दे दिया। तो हमारा सामने आता है कि शुक्ल यजुर्वेद का रचयिता है कौन,
जग्गवल को ऋषि नहीं, जग्गवल को ऋषि तो देखा है, मंत्रों को दिया, मंत्रों का दर्शन किया, दुरुष्टा ऋषि सुना, इतना ही है। तो ऐसा करके कौन सी युग में ऐसा हुआ, ऐसा बोला, और उसके बाद क्या हुआ इस विषय में, इसका कारण जो है सब बोलते रहे। वेदव्यास का पुत्र सुखदेव गोस्वामी समदर्शी परम योगी और भेद ज्ञान रहित है सुखदेव गोस्वामी, आ बुद्धि एकमात्र तो परमेश्वर में लगे हुए हैं, आ वो सर्वदा ही जगत मायामय माया निद्रा जगत का जो माया, इसमें किसी भी हालत से सुखदेव गोस्वामी मोहित नहीं होने वाला, ऐसा ही आशीर्वाद है। सुखदेव गोस्वामी अपना स्वरूप को प्रकाश करते नहीं, गुड़ो मुड़ो इवो यते, सुखदेव गोस्वामी कैसे चलते हैं, जैसे एक पागल है, कोई कपड़ा नहीं है, कुछ ऐसा है पागल जैसा, कोई कपड़ा नहीं है, नंगा बाबा, और कोई रास्ता से चले गए पागल है, चूल बिखरे हुए है, हम वर्णना करें सुनते रह जाओगे, इतना आनंद है, देखने में कृष्ण जैसा ही है बिल्कुल, सांवरा सा एकदम पूरा, लेकिन ऐसा है पागल जैसा, चारों ओर चूल बिखरे हुए हैं और पागल का मैं चल रहा है इधर से उधर, उधर से उधर, कोई पता नहीं। इसलिए भागवत में बोला गुरु मुरो इवो यते, और ये जो जो कथा है बहुत सुंदर कथा, कथम अलक्षित पौरई संप्राप्तो कुरुजांगलान और उन्मत्तो मुको जड़वत विचरण गजा गजसावे। हस्तिनापुर में क्यों आए, कौन बुलाया, और हस्तिनापुर में आए उसका बाद चले गए हस्तिनापुर से सुखताल, गए ना हस्तिनापुर से सुखताल गए। ऐसा करते करते सुखदेव जी का महिमा के बारे में थोड़ा बता दिया, मेरे महाराज कोई इनविटेशन नहीं दिया, प्रसंग आएगा कि परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जो है महाभागवत है, भागवत में चार पांच जगह लिखा एशो महाभागवत, इसके द्वारा कोई गलती हो ही नहीं सकता, लेकिन भागवत का लीला है ऐसा, भागवत जगत में प्रकट होने का एक बहाना रचाया कि व्यासदेव गोस्वामी आपका परीक्षित महाराज को सांप लगा, इसका प्रसंग में हम सिद्धांतों का बात कहेंगे। परीक्षित महाराज को सांप लगा, क्यों सांप लगा, सात दिन का अंदर मर जाए, परीक्षित महाराज सात दिन का अंदर मर जाए ऐसा सांप लगा, और कोई नौता नहीं दिया सुखदेव जी को, कैसे कैसे आ गया, कैसे कैसे आना पड़ा, पहले ऐसे ही आना पड़ा, ठाकुर जी का कृपा है, ये संत महात्मा जो है ठाकुर जी का कृपा से डोलते रहते हैं, ठाकुर जी फिर अरे उधर जा, वो चला गया, अंतर से इनविटेशन निमंत्रण दिया। तो जो बात हम बाद में खुलेंगे, अभी ये बात इधर प्रसंग नहीं है। जो परीक्षित महाराज का चरणों में जितना सारे राजा लोग है, जितना सारे राजा तो सार्वभौम राजा तो परीक्षित महाराज है, लेकिन वो सार्वभौम राजा परीक्षित है, लेकिन उसका अंडर में तो बहुत राजा है, वो सब खाजना वो सब भेजते हैं, सार्वभौम राजा तो परीक्षित है, वो सार्वभौम नमन्ति यत्पाद निकेत्वात्मनः शिवायो हानियो धनानि शत्रवः कथम सबीर श्रियमांग दुस्तयाम जुवैशत उत्सृष्टु महो महासुवि शिवायो लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम शोक परायनायनः जीवन्तीनात्मार्थमसौ जीवंती जीवंती नात्मार्थोमसौ पराश्रयम् मुमोचो निर्विद्ध कुतो कलेवरम
बजे नमंति जत्पाद निकेतमात्मना शिवायो हानियो धनानि शत्रवः कथम सबीरः श्रीयमंग दुस्तयाम जुवैशत उत्सष्टु महो महासुभि। इतना तमाम दुनिया का राजा है, सप्तद्वीप का राजा, कितना धन संपत्ति है, पूरा तमाम दुनिया पर कब्जा करके रखे पूरा। ऐसा एक बड़ा राजा जिसका सामने सारे दुनिया का राजा आकर माथा टेकते थे और जितना सारे कर है ना टैक्स सब देके दंडवत चरण में करते, राजन दंडवत प्रणाम करते थे। ऐसा जो राजा है, ये राजा का जिंदगी में ऐसा कैसा क्या हुआ जैसे वो सोप फेंक फाक के छोड़ के चला गया, एकदम पूरा एकदम सब छोड़ के चला गया जंगल में, क्या कारण है ये सब विषय हमको बताओ, हम लोगों को बताओ। कौन बोल रहा है? बोले सुतदेव गोस्वामी को सनकादि ऋषि ऐसा प्रश्न किए। अब ये प्रश्न का उत्तर आएगा जे क्यों आप बोला ये सातारा 17th जो है अवतार, 17 नंबर जो अवतार है इसमें क्यों एक साथ गुना गिना क्यों वेदव्यास और राम जी को क्यों, इसका उत्तर इधर अभी हम देंगे। इसका क्या है? बोले ये श्लोक में सुतदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सनकादि ऋषि का, सनकादि ऋषि का प्रश्न बताया इतना तक अभी तक जो बताया, और सुतदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उत्तर दे रहे हैं जे दापरे समनु प्राप्ते, दापरे दापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्याय यातः पराशराद योगी वैसव्याम कलया हरे। अब इसका माने क्या हुआ? दापरे समनु प्राप्ते, दापरे समास्ता जी, दापरे समनुप्राप्ते, सम अनुप्राप्ते, दापर करीब करीब आ गया इसी समय, तो दापर युग तो नहीं माने हैं, दापर जी माने हो रहा है, क्या माने आएगा? दापरे समनुप्राप्ते ऑलमोस्ट दापर आ रहा है, लेकिन उसका माने क्या? तेताजुग, तेताजुग का एंड जो है, तेताजुग का एंड माने करो तो ये माने बैठेगा ना, दापरे समनुप्राप्ते इसका माने क्या है? दापर तो बोला नहीं, दापर आने का टाइम ऑलमोस्ट, तो मतलब तेताजु, तो ये माने ठीक हुआ। तेताजु का अंत में राम जी का जो अवतार हुआ, राम जी का पहले ही वेदोव्यास का, अगर पहले नहीं होता वेदोव्यास का गिनती पहले क्यों हुआ? वेदोव्यास का सेकंड कर दो, बात कर दो, पहले राम जी को कर दो। सब चीजों में सूक्ष्म विचार है, साधारण आदमी समझता नहीं है, तो ये हम समझेंगे विचार कि जरूर राम जी का पहले ही वेदव्यास का आविर्भाव हुआ, बच्चा आविर्भाव हुआ। और ये जो माने हैं इसमें दापरे समनुप्राप्ति तृतीय युग, तृतीय युग पर जाए, तृतीय युग पर जाए सत्तो तेता दापर कली है, सत्तो तेता दापर कली तो चार युग है, तृतीय युग पर जाए इसका माने कैसा होगा? माने तो बैठेगा नहीं। हम अगर सोचे सत्ययुग जाए, काउंट करो सत्ययुग जाए उसके बाद दापर युग आए, एक दापर युग सत्ययुग जाए तो तेताजुग आए, हम तो गलती बोल दिया, सत्ययुग जाए तो तेताजुग आए, तेताजुग जाए तो दापर युग आए, दापर युग जाए तो कलयुग आए, कलयुग जाए तो फिर सत्य युग आए, तो काउंट कैसे होगा? हाउ आई कैन टैली दिस मैथमेटिक्स जो है अंक है, कैसे आप टैली करोगे? बोले टैली ऐसे सीधा करने जाओ तो उल्टा होगा, जैसे सत्य युग गया, सत्य युग जाने के बाद तेता युग आया, तेता युग जाने के बाद दापर युग आया, दापर युग आने के बाद कली युग आया, ये तो हिसाब मिलता नहीं, तो कैसे होगा? बोले होगा ऐसे कि आप सोच लो कि कलयुग है, कलयुग गया तो सत्ययुग आया, एक कोनो कलयुग गया के दे तो रोटेशन चलते रहता है ना, आप ऐसा विचार करो कि कलयुग गया, कलयुग अंत हुआ, सत्ययुग आया पहला, ये तो पहला होना चाहिए ना, सत्ययुग गया ऐ कलयुग गया तो सत्ययुग का प्रवेश हुआ पहला, सत्ययुग गया तो
तो तेताजुग का तेताजुग गया तो दापुर युग आएगा। अब मिला ना मैथमेटिक्स उत्तर आ गया ना, यहां वह दापोरे समनुप्राप्त मिला कि नहीं, मैथमेटिक्स मिला कि नहीं, नहीं मिला, अब तो मिल गया। दापरे समनुप्राप्ति तृतीय युगों पर जाए, तृतीय युग का संधिक्षण, एक युग जाए दूसरा युग आए उसको संधि युग बोलता है। जैसे दीवा अवसान हुआ संध्या आया, इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको संध्या बोला जाता है ना, ये विचार। तो दापर समनुप्राप्ति तृतीय युग पर जाए यातः पराशरात योगी व्यासव्यम कलया हरे, हरि का नारायण का ही कला है, अंशो कला ऐसा बोले इत चांगसो कला इत्यादि श्लोक का व्याख्या किया। यातः पराशरात योगी, योगी पराशरात हैं, ये ऋषि का आविर्भाव हुआ। ये जो ऋषि है अभी सुंदर प्रसंग आए, ये इसका बारे में बोला साक्षात कलया हरे हे, ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये हरि है, अंश कला के द्वारा जगत में प्रकटित भय हमको कृपा करे, तमाम दुनिया को कृपा करे। तो ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, इसका अंदर में कोई अज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ठाकुर जी का कृपा कि ये एकदा सरस्वती नदी का किनारे हम गए, और जो बद्रिकाश्रम छोड़कर सहस्रधारा चीन का बॉर्डर तिब्बत का बॉर्डर वहां गया, तो पहाड़ी चट्टी में उठा देखिए एक गुफा है, अब उधर लिखा हुआ है बैस गुफा है, उस गुफा को दूर से देखोगे जैसे भागवत का एक तो किताब है, दूर से देखोगे किताब ही पता चलेगा एकदम पूरा किताब, ये पहाड़ का टुकड़ा ऐसा है कि ये लगेगा कि किताब है ठाकुर जी का ऐसा है। हम भागवत लेके गया था वो वेदव्यास जी का कृपा लेने के लिए, वो उधर जाके मुश्किल से उधर गए और जाके गुफा में बैठा कृपा प्रार्थना किया और थोड़ा बहुत पाठ किया। अब वेदव्यास जी उसी आश्रम में साम्माप्रास आश्रम, उस आश्रम का नाम है, अभी आप जाओ तो देख सकते, बहुत मुश्किल है अब जाना तो मुश्किल है आप लोगों के लिए, उधर जाओ तो उधर क्या है साम्याप्रास आश्रम, और साम्याप्रास आश्रम में वेदव्यास जी एक दिन सुबह रुबित उदिते रोबी मंडले, सूर्यो उदिते रोबी मंडले, सूर्य उदय होने का पहले, अर्थात हम ये समझ के चले कि अरुणोदय है ना, उदित रवि मंडल है अरुणोदय समय, सरस्वती नदी का किनारे बैठकर बड़ा चिंतन कर रहे थे, बोला हमारा दिल में क्यों आनंद नहीं हो रहा है, पूरा के पूरा आनंद क्यों नहीं हो रहा है, हमने क्या गलती किया कुछ, हमने इतना वेद का भाग किया पुराण किया सब कुछ किया, लेकिन अंदर में अंतर में आनंद का जो धाराएं है, आनंद का एकदम धारा ये तो नहीं है, जैसे महसूस होता है कि कुछ कमी है, इट सीम्स देयर इज सम फॉल्ट, हमारा कुछ कमी है, कुछ कमी महसूस हो रहा है, कुछ कमती है, तो किस लिए पूरा के पूरा आनंद क्यों नहीं हो रहा, थोड़ा कम है, इसका कारण क्या हो सकता, ऐसा बड़ा भारी विचार कर रहे थे ऐसा बैठ के। इतने में नारद जी महाराज आसमान से आ गया, नारायण नारायण बीना बजाते बजाते आ गए, और नारायण को नारद जी आ गया तो ऋषि जी उसका बड़ा भारी सम्मान सत्कार किए, उसका बाद बैठा लिया ऋषि जी बैठो, और वेदव्यास जी ये नारद जी के सामने कुछ प्रश्न रख दिए, कुछ क्वेश्चन रख दिए, ऋषि जी आप पधारे हो, नारद जी को बोले आप ठाकुर जी का अपना आदमी हो, अब ऐसा है कि आप बताओ कि किस कारण है मेरा अंदर में पूरा के पूरा आनंद क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमी है हमारा दिल में, क्या कमी है उस कमी को बताओ, तो हम ये कमी को एलिमिनेट करें दूर कर दे तो हमारा दिल में पूरा आनंद आ जाए, ऐसा कैसा है, कुछ गलती तो हुआ होगा शायद, तो इसमें प्रश्न आएगा कि अभी आप बताएं कि वेदव्यास जी नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, अभी बताए ना कौन है, बोले साक्षात हरि का कला है, साक्षात हरि है ना, हमारा क्वेश्चन है अर्जुन क्या बोका है,
अर्जुन इज फुलिस फुलिस पर्सनैलिटी। अर्जुन बोका है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में बोला हम युद्ध नहीं करेंगे, फलाना है ऐसा है, कितना सारे क्वेश्चन कर दिया। बोले महाराज ऐसा क्यों कर दिया, क्या कारण है? बोले अर्जुन तमाम दुनिया का तरफ से अर्जुन एक रिप्रेजेंटेटिव बना है। अर्जुन अगर रिप्रेजेंटेटिव ना बने तो क्वेश्चन कौन करे, और वो जो मसला है हमारे सामने कैसे पेश हो सकता। तो ऐसा कोई बहाना चाहिए जैसे अर्जुन भी बोखा बन के क्वेश्चन करे, ठाकुर जी भी उत्तर दे, और गीता हमारा सामने रह जाए। जितना सारे शास्त्रों का प्राकट्य है, जितना तमाम शास्त्रों का प्राकट्य है, यू कैन गो एंड सी, सारे एक एक कारण है। ये प्रश्न कर रहा है इसका उत्तर दे रहा है, ये पर क्यों हुआ इसका उत्तर दे। तो ये कारण है। यहां भी ये समझ के चलो वेदव्यास जगत गुरु है, वेदव्यास जगत गुरु है ना, है ही है वेदव्यास जगत गुरु। और ये वेदव्यास आज ऐसा बहाना रचा रहा है कि हम हमको जानकारी नहीं है, कुछ बता दो कि क्या कारण है, क्या कमी है, ऐसा विचार करना चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे अरे वेदव्यास बोका है, हम भी बोका है, वेदव्यास भी बोका है, ठीक ही है चलो है, ऐसा नहीं। तो इस समय क्या हुआ, नारद जी का सामने जो क्वेश्चन किए, तो नारद जी इधर बताया गया सौ एकदा अर्थात वेदव्यास जी सौ कदाचित सरस सत्या उपस्पृश्यो जलम सुचि विविक्तो एक आसीन उदिते रवि मंडले, एक निर्जन जगह बैठ के ऐसा कर रहा था। और धीरे धीरे क्या हुआ नारद, हम प्रसंगों को संक्षेप कर रहे हैं, धीरे धीरे नारद जी आ गया। नारद जी आने का बाद नारद जी का सामने ए वेदव्यास जी थोड़ा क्वेश्चन लग गया हैं, क्या कारण है, क्या कारण है जो हमारा मंदिर में पूरा संतुष्टि नहीं हो पा रहा है। वेदव्यास जो क्वेश्चन किया, वेदव्यास को क्वेश्चन करने का पहले नारद जी इसीलिए आया था, नारद जी के फालतू नहीं आया था, नारद जी इसीलिए आया था कि अभी भागवत जी का प्रकाश होने का समय आया। नारद जी आया, आप पहले आते ही नारद जी पहले क्वेश्चन कर दिया, वेदव्यास तो बाद में क्वेश्चन किया, नारद आते ही प्रश्न किया जे पराशरियो महाभागो भवतः कचित आत्मना परितुष्वति शरीरो आत्मा मनसो मनसो एवबा। एक ऐसा क्वेश्चन हुआ महाराज, तुम्हारा साथ किसी व्यक्ति का दोस्त का अगर दर्शन हुआ तो क्या बोलेगा, कैसे है शरीर, कैसा है, ऐसा है तो कहोगे ना। किसी रिश्तेदार किसी कोई आए तो फोन पे बात हो कि मुलाकात हो तो कैसा बोलते हो, कैसे हो, कैसा शरीर है आपका, यही तो बोलेंगे। लेकिन इधर जो है नारद जी कैसा क्वेश्चन किया, कैसा क्वेश्चन किया, बोले हे पराशर नंदन आपका मन और शरीर जो है, हैं शरीर का साथ आत्मा संतुष्ट है, ये कैसा क्वेश्चन है, शरीर और मन का साथ आत्मा संतुष्ट है, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। और कैसा हो ऐसा बता दो सीधा, ऐसा सीधा बोल दो कैसे हो, ऐसा नहीं शरीर और मन का साथ कैसे हो, इसमें क्या रहस्य है, ये तो रहस्य है बहुत। इसलिए बोले पराशरयो महाभाग भवतः कचिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एववा। शरीर और आत्मा का साथ खैरियत में हो ना, सुख हो ना, शांति में हो ना। जिज्ञासितम सुसंपन्नम ओपीते महतद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिविंहितम। जिज्ञासितम सुसम, जितना सारे जिज्ञासा है सबके आप समाधान किया धीरे धीरे हैं, बस सारे वेद पुराण आदि, और अंतिम में क्या किया, निखिल तत्वपूर्ण अति अपूर्व महाभारत ग्रंथों का रचना किया जिसमें सारे उत्तर है। लेकिन ये महाभारत जो है ये आप पाठ करोगे तो आपका लिए खतरा भी हो सकता। प्रभुपाद जी बार बार बोले आपनारा महाभारत पढ़ते जावे ना, महाराज महाभारत पढ़ने जाओ तो उसमें गलती हो सकता, क्योंकि यू कैन नॉट गेट द क्रीम आउट ऑफ इट। इसका वो जो मंथन करके महाभारत को क्रीम आप निकाल नहीं सकते, उसमें फंस जाओगे। बहुत सारे घटना है ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, ये उचित नहीं था,
ऐसा आएगा तो अधपतन हो जाएगा। इसलिए महाभारत, महाभारत अगर महापुरुषों का मुख से श्रवण करो तो अलग, वो तो विचार करके ही बताएंगे, उसका विचार तो अलग है, कौन सी घटना किस लिए हुआ इसका जवाब दे देंगे। तो यहां जो है जो तमाम निखिल तत्वपूर्ण होती अपूर्व महाभारत ग्रंथ आप रचना किए हो, तो धर्मादि विषय में जितना भी जानकारी है समस्त सब समस्त उसमें प्रकाशित है, कुछ क्या करो नहीं करो सब कुछ। फिर भी क्या हुआ, जिज्ञासितम सुसंपन्नम उपी, जिज्ञासितम सुसंपन्नम, जो कि जिज्ञासा है, सल्यूशन है तत्व ज्ञान, इसलिए जिज्ञासितम सुसंपन्नम उपी, सारे आप समाधान कर दिए हो। सुसंपन्नम ओपी, सुसंपन्न महाभारत आदि प्रकट करने का बाद भी ते महत्भुतम कृतवानम भारतम यस्तम, सब तो कर दिया और फिर अंतिम में महाभारत भी कर दिया, यस्तम सर्वार्थ परिविंगितम, जिसमें सर्वार्थ अर्थ किस किस्म का है, धर्म अर्थ काम मुख जो है सारे जो है सभी एक एक मीनिंग चीज चाहिए, तो सारे इसका कैसे कैसे उसका दोहन हो सकता है, दोहन मतलब जैसे गई माता से गो दो दूध दोहन होता ना, ऐसे ये महाभारत से हो सकता, लेकिन इसमें क्रीम जो है वो आपका लिए निकालना मुश्किल है, इसमें है लेकिन आपका लिए, जैसे दूध तो सामने रखा हुआ है लेकिन क्रीम तो दिखाई नहीं पड़ता, जो दूध को मंथन करो तो क्रीम निकालेगा, पहले तो निकालेगा नहीं, ऐसा ही महाभारत ऐसा है, तो इसमें से मंथन किया जाए तो साधु संतो तो उत्तर आएगा। इसका बाद जब ऐसे बोले जे जिज्ञा बलचेन जिज्ञासितम अधित्वंच ब्रह्मो यत्तत् सनातनम तथापि सचस्वात्मनम अकितार्थो इव प्रभो, फिर भी इतना कुछ किए हो फिर भी आपका अंदर में डिससेटिस्फैक्शन, पूरा शांति क्यों नहीं है, अब उदास आप देखने में आपको लगता है, उदास जैसा लगता है, उदासी क्यों हो, क्या है कारण, तो वेदव्यास बोला इसी का ही तो खोज में हूं, हैं उदास क्यों बैठे हो आप, उदास आप उदास नजर आ रहे हैं, आप उदास नजर आ रहे हो किस लिए, क्या कारण है, वेदव्यास जी बोले हाँ वही उसी का ही तो कारण हम ढूंढ रहा हूं, तो आप बोले उदास क्यों बैठे, उदास मैं क्यों हूं इसी का उत्तर आपको देने पड़ेगा, बोला हमको देने पड़ेगा, हाँ आप दे दो, वेदव्यास बोले हाँ आप जो हमारा जो अंदर में जो असंतोष है वो ठीक पकड़ा, वेदव्यास जी बोले अस्ति एव मे सर्वमिदम तयोक्तम तथापि न आत्मा परितुष्यते मे, आप जो बोले हो सब हम किया है, आप ठीक ही बोला, वेद उपनिषद वेद आदि उसके बाद महाभारत आदि सब किए, लेकिन इसका बावजूद भी हमारा अंदर में परितुष्यते नात्मा परितुष्यते में, परिपूर्ण सेटिस्फेक्शन संतुष्टि हमारे अंदर में अभी तक नहीं है, इसका कारण जो है ये आपको ही बताना पड़ेगा, क्यों बोले तम पर्यटन अर्क इवो त्रिलोकिम अंतश्चर वायुरीवो वायुरीव आत्मा साक्षी परावरे ब्रह्मणी धर्म तो व्रतई स्नातस्य मे नूनम अलम विचक्ष, हमारा अंदर में कमी क्या है आप इस विचार करके बोलो, क्यों आप कैसे बोले बच्चे त्वम पर्यटन और कोई वो सूर्य जैसे एक जगह से और दूसरा जगह परिक्रमा लगाते हैं, इसके द्वारा जगतवासी का जो अंधेरा है अंधेरा को मिटा देते हैं, आप इसी किस्म का आप वायु रीव आत्म साक्षी, किसका हृदय में क्या है, किसका हृदय में कैसा है क्या कमी है, सब वायु रीबो वायु रीवात्म साक्षी, वायु जैसे अंदर में घुस जाता है आप सभी का हृदय में क्या कुछ है सब वो देख सकते हो आप, वायु जैसा सर कोई का हृदय में घुस जाए सब हो सकते हैं, तो आप जो आपका जो है आप ऐसे ही हो हर जगह जाते हो, तो ये हमको बताओ हैं, आप सब आप निर्मल आप ठाकुर जी का निजी जन है, परावरे ब्रह्मणी धर्म तो व्रतई
स्नातस्य, जितना सारे जगत में व्रत सुव्रतो, वेदव्यास को भी सुव्रत बुलाया गया। क्यों? सु शब्दों जो भगवान का जो संतुष्टि विधान के लिए क्रियाक्रम, उसी व्रत को सुव्रत बोला जाता है। उसी व्रत को जो धारण करता है उसका नाम सुव्रत। सु माने सत, व्रतों को जो धारण करके रखते हैं उसका नाम सुव्रत। सुव्रत शब्दों का ये माने हैं जो सु अर्थात सत व्रतों को धारण करके रखते हैं अपना जिंदगी में, उसी का नाम सुव्रत है। समझ में आया? ये जो नारद जी का चरण में प्रार्थना किए, जो आप जो हमारा अंदर में जो कमी है, मैं नूनम अलम विचक्ष, आप विशेष करके अनुभव करो जो हमारा अंदर में क्या कमी है। नारद जी अभी उत्तर दे रहे हैं जो आप तो सभी कुछ किए हो, ये तो हम देख ही रहा है, जगतवासी जानते हैं क्या कुछ नहीं किए हो आप, जो किए हो क्या नहीं किए हो, क्या किया है ये बात तो, क्या नहीं किए सब किए। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि देखो सिनारद वाचो भवता अनुदित, भवता अनुदित प्रायम यशो भागवत अमलम जेनैवा सौ न तुस्से तो मन्ने तद्दर्शनम खिलम। भवता अनुदित प्रायम यशो भागवत अमलम जेनैवासौ न तुस्से तो मन्ने तद्दर्शनम खिलम। आपका अंदर में परिपूर्ण संतुष्टि का अभाव, मेरा हिसाब से तो ये लग रहा है कि आप ठाकुर जी का जस जस गान, यश गान, यो कीर्तन है ठाकुर जी का लीला, ये परफेक्टली नहीं किए हो। परिपूर्ण रूप से एकदम खुले दिल से ये आप नहीं किए हो, ये एक कमी है। है तो महाभारत में भी कृष्ण जी का लीला है, सब कुछ है, लेकिन ठाकुर जी का जो अनन्य लीला है इस विषय में आप विचार नहीं किए, वर्णन नहीं किए, यही एक कमी हमको। विदुबस बोले री सही बताया, हम तो ठाकुर जी का विषय में तो एकदम अनोखा, ठाकुर जी का जो लीला है अनन्य लीला, अनंत लीला, हरि अनंत हरि रूप, अनंत हरि लीला अनंत, इसका बारे में तो हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं किए। तो इसी बारे में हमारा असंतुष्टि का कारण शायद यही हो सकता, दैट इज द ओनली रीजन, यही कारण है। तो नारद जी बताए जे जब भी कोई कोई ग्रंथ लिखे, ग्रंथ लिखे, कुछ कविता लिखे, कुछ भी करे, उसमें अगर ठाकुर जी का वर्णन नहीं है वही कोई काम का नहीं। मेरा बात समझ में आई? बात समझ में? अगर कोई कविता लिखो, कोई लेखनी लिखो, जर कवि कितना सारे लिखते रहते हैं दुनिया में, वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स यू कैन फाइंड इन मार्केट, बाजार में कितना सारे बुक है, कि ठाकुर जी का विषय में है कुछ है? और पहले हम बताया था गवेषणा के लिए कितना गोयुक्त ऐशना, इसका व्याख्या नहीं किया था, गवेषणा करते रहते हैं। गवेषणा का अर्थ क्या है? बोले गोयुक्त ऐशना, तुम भी गवेषणा कर रहे हो, तुम भी विचार करते हो। वैज्ञानिक लोग तो गवेषणा करते ही रहते हैं, आम आदमी भी गवेषणा करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर होगा, ये तो एक किस्म का गवेषणा है, हैं? एक होते रहते हैं, हर कोई का दिल में गवेषणा गोयुक्त ऐशना चलते रहते हैं। एक गो मतलब यह है, गो का मतलब है इंद्रियां, जितना सारे सेंस ऑर्गन है, ये अब ये सेंस ऑर्गन को यूज करके किसी विषय के ऊपर नॉलेज प्राप्ति करना चाहो तो इसको बोलता है गवेषणा। समझा मेरा बात? गोयुक्त ऐशना माने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को संचालन करके कुछ ज्ञान को प्राप्ति करने का प्रयास प्रचेष्टा कर लो तो इसका नाम है गवेषणा। समझा मेरा बात? नहीं सर, आई बात समझ में? अपना इंद्रियों को यूज करो, अपना इंद्रियों को समझ, यहां तक कि मन को भी, मन को भी एकादश इंद्रियों माना गया, इलेवेंथ इंद्रियो, पंचकर्मेंद्रियो पंच ज्ञान इंद्रियो, लेकिन शास्त्रकारों ने बताया कि मन को देखा नहीं जाता, बट दिस इज द सॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन, जितना सारे सेंस ऑर्गन है इनमें ये सबसे बड़ा तगड़ा, तुमको धक्का लगे फेंक देंगे, इतना तगड़ा है। और ये जो मन है, मन को लेकर एकादश इंद्रियो,
और सारे को बाजी लगाकर आप इंद्रियों को संचालित करके संचालन करके आप किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयास प्रचेष्टा कर लो, इसी का दैट इज कॉल्ड एक्चुअली रिसर्च। इसका नाम रिसर्च है, गो युक्त एसना इति गवेषणा व्याकरण में आता है। और नारद जी कह रहे हैं नौजत बचह चित्र पदम हरे रजसो यगत पवित्रम प्रगणित कहिरचित। जिस लेखनी में ठाकुर जी का कोई गुणगान नहीं है, ठाकुर जी का कोई प्रसंग नहीं है, नौजत वचह चित्र पदम हरेर यशो, हरेर जसो, जसो ना विसर्ग नहीं है, नौ यद वचोस चित्र पदम हरेर जसो जगत पवित्रम प्रगणित कहिरचित। कोई भी कुछ वचन बोले, कोई लिख दिया, लेकिन ठाकुर जी का कोई प्रसंग नहीं है, तो तत् वायासम तीर्थो मुशंति मानसा नजत्र हंसा निरमंती उत्सृक्षया। उसमें कोई भी बाक बोल दो, कोई लिख दो, ये काक है ना, काक कौआ, कौआ का तीर्थ माना जाएगा। तुम तो बड़ा भारी लिख दिया, लेकिन इसको ये जो लेखनी है, जो स्थान है, कौआ का तीर्थ स्थान हो गया। कौआ पैर दिया और डर्टी किया है, इसलिए बोला तद बोलचे न इसको तद बयासम तीर्थम संति मनसा। बयास मतलब कौआ, कौआ जो सब कौआ का काम क्या है, जे जिस नगर में कौआ रहे वो एकदम पूरा खराब हो जाएगा। जहां मछली मंस खाने वाला आदमी ज्यादा है वहां कुआं ज्यादा रहता है। वो कौवा उठपटांग मचाते, इधर से उठ के उधर फेंक दिया, उधर के उठ के, कौवा का काम ही ऐसा है। कौवा जैसा है जो डार्टी चीजों में रमन करने वाला कौवा है, वो कवाई है। चाहे जितना भी बड़ा कवि हो, कितना भी उतना रचना जो स्ट्रांग है, लेकिन माना नहीं जाएगा। बहुत सारे अंग्रेज को भी है, किट्स सेली, पीबी सेली, बहुत सारे, लेकिन क्या काम हुआ। हमारा एक कवि था, बड़ा भारी कवि, उसका नाम है माइकल मधुसूदन, माइकल हो गया। हमारा घर, हमारा आरो बंगला में आविर्भाव हुआ, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ा, ये बेकार की चीज है। बंगला में जो इतना विद्वा है, इतना भारत में इतना विद्वा, सब फेंक दिया, फेंक फाक के चला गया फॉरेन में, बोले यही अच्छा है, क्रिश्चियन हो गया है। अब बाद में रोना पड़ा, राधा कृष्ण के चरणों में तो थोड़ा दो हमको, क्यों क्या करे, राधा कृष्ण चरण तू तो फेंक के ही चला गया, माइकल हो गया माइकल। और बाद में रोना पड़ा, रोते 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 आया फिर भारत में, और बोले क्या, हे बंग भंडार तबो भंडारे विविध रतन, ये कीर्तन ये कान लिखा। पहले तो पागल था वो, लक्ष्मण जी को अपमान किया करके मेघनाथ बध काव्य है, इसमें मेघनाथ को बड़ा किया और लक्ष्मण को ऑर्डिनरी बना दिया, अरे बेकार, लक्ष्मण हार गया। उसका भी जो ऐसा ही कवि है, कवा जैसा कवि, ऐसा कवि है ना, कवा जैसा कवि, उससे तो अच्छा है कवि नजरुल इस्लाम, उससे कम से कम अच्छा है, कम से कम तो उसका दिमाग में आया, ये भी सोलो ये विराट शिशु आन मने खेली छो, कम से कम ये तो दिमाग में आया, ये विश्व लेकर एक विराट शिशु है गोपाल खेल रहा है, ये मुसलमान है फिर भी अच्छा, तुमसे अच्छा है ना अच्छा। रविन्द्रनाथ ठाकुर भी बोला बहुत सारे गीतांजलि में, वो अमार माथा न तो करे दाव हे प्रभु तुम्हार चरण तले। इसका माने क्या है, ठाकुर जी सामने है ना, तब ना बोल रहा है, कोई नहीं है। हम बोले मुसलमान भैया सब अल्लाह अकबर बोलते हैं, बोले किसका पीछे कर रहे हैं तू, अल्लाह तो देख नहीं पड़ता, अल्लाह का कोई भावना आता है तेरा दिल में, अल्लाह कैसा है, बोले अल्लाह तो निराकर है, अल्लाह निराकर है, जब भी बोल रहे हैं अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह है, बोल रहे हैं किसको बुला रहे हैं, कोई सुनने वाला है, तेरा अल्लाह तो कुछ नहीं है, सुनने वाला नहीं है वो बोल रहे, ऐसा नहीं है भाव, भाव ऐसा नहीं, वो लोग समझ में नहीं आया हैं। वो जो बोलते रहते हैं कि वो लोग जानते नहीं, हम बोले ठीक से बोल, अल्लाह का कोई भाव आता नहीं, ठीक से बोल, छाती पकड़ के कुरान को, बोले महाराज जब अल्लाह अकबर बोलता हूँ थोड़ा बहुत तो रूप आता है, कम टू द पॉइंट
रूप आएगा ही, क्योंकि अल्लाह में अल्लाह का रूप है। महाप्रभु दिखाया कुरान में अल्लाह का रूप, फतेमा ने अल्लाह का दर्शन किया एक झलक, कुरान में है। और महाप्रभु ने बोला अल्लाह श्याम सुंदर श्यामरा सा रूप है तेरा, कुरान में है, क्यों इसको काट के फेंक दिया बदमाश, है अल्लाह का रूप, अल्लाह बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह यह है उसका रूप है। तो जो भी है, तो ये जो है आपका रविंद्रनाथ ठाकुर जो बोला हमार माथा न तो करे दा, ये अगर कोई सामने कोई नहीं है किसका सामने सर झुका दो, कोई व्यक्ति नहीं है, हम आसमान में बोले हमारा हमारा माथा झुका दो, तो स्वरूप का तो थोड़ा बहुत बोध हुआ होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर से हरिकथा सुना है, रविंद्रनाथ ठाकुर भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल से कई घटना है हरिकथा सुना है। रविंद्रनाथ ठाकुर रसिकलाल विद्याभूषण बोल के बड़ा वैष्णव उसका सामने जाता था, चूरा साकोर जोड़ा साकोर से उधर जाते थे, बागबाजार स्ट्रीट 25 नंबर बागबाजार स्ट्रीट उसमें रहते थे, वो डॉक्टर भी है और बड़ा वैष्णव सिद्धि लाभ हुआ था, उसके सामने आता था। और रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते थे जे अच्छा ठीक से बताओ, लोग हमको कवि बोलते हैं, रसिक मोहन बुद्धा विद्याभूषण को बोलते हैं, बोलते बोलते हमको लोग कवि बोलते हैं, लेकिन आपका लेखा में क्या है जो लेखा को एक किताब को थोड़ा ऐसा कर दो रस गिर जाए, वो वैष्णव को भी है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर बोला हम तो हमको तो कवि बोलते हैं, बचपन से हम कवि कविता लिखते हैं, हमारा नाम हुआ मशहूर हो गया हम, लेकिन आप कौन सी कवि हो जो आपका लिखा मैं थोड़ा देखने जाए तो किताब को थोड़ा ऐसा कर दे लगता है किताब से रस गिर गया, ऐसा रसिक है, समझा मेरा बात। इसका नाम है रसिक मोहन विद्याभूषण। जो भी है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो रविंद्रनाथ जी का जड़को जब भी जड़कवि है 100% परफेक्शन नहीं पहुंचा, क्योंकि आश्रय नहीं लिया, आश्रय लेने का बाद ही दीक्षा लेने का बाद ही दिव्य ज्ञान पैदा होता, थोड़ा बहुत आया समझ में, क्योंकि बाबा निर्विशेषवादी था ब्रह्मोपासक। रविंद्रनाथ जी के जो बाबा है वो निर्विशेष ब्रह्म का उपासक, और उसको बचपन में उसको लेके और वो जो है आपका क्या है वो शांतिनिकेतन जो है बोलपुर वहां ले जाते थे, उसी जगह पे विद्यालय हुआ। रविन्द्रनाथ का जो पिताजी है पर बाबा प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर आदि पूरा जमीन ले लिया था बड़ा, उसी जगह शीशे का कमरा था, शीशे का कमरा में बैठ के सुबह से ब्रह्म का उपासना करते थे। और रविन्द्रनाथ ठाकुर के बचपन ने लेते जाते, पिता बोलते चल हमारा साथ, और जाके रविन्द्रनाथ घूरते थे, और बाप पिताजी का प्रभाव भी आया निर्विशेष ब्रह्म का, और वैष्णवों का संग किया सविशेषवाद भी आया। तो गीतांजलि जिसको लिखने का बाद जो टाइटल मिला नोबेल प्राइज मिला, तो उसके पीछे ये रहस्य है, तो सविशेष बात भी है और निर्विशेष बात दोनों भाग, लेकिन परफेक्शन नहीं आया, भक्ति नहीं आया, भक्ति आया नहीं, किसी जन्म में हो सकता। तो ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या हम काल को काल सुबह का समय में खूब जल्दी करो, जिंदगी जा रहा है, सब आके चुपचाप बैठो सुनो, सारे काम को फेंक दो और सुनो। काल सुबह का समय हम इसका विषय में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे जल्दी। नारद जी का जो बचपन में नारद जी का पूर्व जन्म का इतिहास, ऐसे तो नारद जी नित्य सिद्ध है, इसका पूर्व जन्म होता नहीं, ये साधन सिद्ध नारद, ये सूक्ष्म विचार जो है बड़ा बड़ा पहुंचा हुआ जो है वो महात्मा लोग जानते हैं, बाजार का आदमी जानते नहीं। और नारद जी का पूर्व जन्म, अरे नारद जी तो नित्य सिद्ध पार्षद है, उसका पूर्व जन्म, इसका उत्तर हम देंगे काल सुबह के अधिवेशन में। न जदवचहश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कहिर्चेद् तद्वयासं तीर्थं सन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिक्षया तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लवो यस्मिन् पतिश्लोकमबद्धतामपि नमानि अनन्तस्य च सोऽङ्कितानि यत् शृणन्ति गायन्ति गिणन्ति साधवः निष्कर्मम् ओपि अच्युत भाववर्जितम् न सवते ज्ञानममलम् निरञ्जनम्
कुतः पुनः शश्यद अभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि अकारणम वांछा कल्पतरु के पास सिंधु पथितानं पावन भवैष्णव्यो नमः।